co-star, co-host. Have a great day ahead. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपके रूबरू जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसकी तारीख और उसके कुछ नुमाया कारनामे बयान करना चाहती हूँ। गांधी जी के अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस के बॉयकॉट के कॉल के बाद कौम परस्तों के एक ग्रुप ने एक इदारा कायम करने का फैसला किया। ये इदारा आज हिंदुस्तान के आला तरीन तालीमी इदारों में से एक है। 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। 1935 में कैंपस को इसकी मौजूदा जगह पर शिफ्ट किया गया। 1962 में जामिया को यूजीसी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐलान किया और 1988 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। मुझे इस हवाले से मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। हमारे फाउंडर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और तलबा की जद्दोजहद रंग लाई और जामिया ने बहुत से कारनामे अंजाम दिए। साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जामिया को सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अव्वल रैंक मिली। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक जामिया को सभी यूनिवर्सिटीज में 6th रैंक हासिल हुई। हाल ही में जामिया ने एक और नुमाया कामयाबी हासिल की है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की तरफ से A++ ग्रेड से नवाजा गया है, जो कि नैक की तरफ से दिया जाने वाला सबसे ऊंचा ग्रेड है। किसी भी इदारे का तराना उसकी पहचान होती है। हमारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तराना भी उसके बुलंद इरादों, उसकी गठन जद्दोजहद और उसके अज़्म हौसले की अक्कासी करता है। इस तराने की हर लाइन जामिया के विजन और मिशन की भरपूर नुमाइंदगी करती है। हुए थे आके यहीं खेमा जन वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाजे रहबराने, वतन यहीं से शौक की बेराबतियों को राब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैरा। हमारा खूबसूरत जामिया तराना सुनाने के लिए मैं डॉक्टर अटेंडेंस लगा दो अपना चैट बॉक्स में जाके, सिर्फ घर्राटे काटो तुम बैठ के वहां, सिर्फ अदीबा लिखो। अबू बकर माइक ऑफ कीजिए। यार अदीबा लिखो, अदीबा बीएड सेक्शन ए अजमल हाउस।
शुक्रिया सर, आपने जामिया के हर दिल अजीज तराने से हमें रूबरू कराया और हमारे कानों और दिलों को महसूस कर दिया। अब मैं उस हस्ती को बुलाना चाहूंगी जो इस जो जामिया को बहुत सालों से सर्विस दे रही है। वो और कोई नहीं, हमारी प्रोफेसर फरहा फारूकी मैम है। प्लीज मैम आए और दो शब्द कह के आगे बढ़ाए प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम जो कैंप हमारा अब शुरू होने जा रहा है, इसमें मैं अपनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर नाहिद जहूर के बिहाफ पे एंड आल्सो ऑन माय ओन बिहाफ आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड गेस्ट टू दिस कैंप। And one thing that I believe in and I want to say is that this kind of learning, the kind of learning which happens in this camp is, I think, you know, the kind of love, solidarity, and the plural character that signifies in Jamia and is the idea of India, I think that is what this camp is about. We celebrate love, solidarity, sisterhood, and the plural character of India. And one thing that I'm very sure of after participating in this camp for years together is that the kind of learning which happens in the camp about diversity, about the composite character of India, about culture, I think it is not possible in any of the, you know, the very formal syllabus and classes that we have. So I welcome all of you to this camp. It's a privilege to welcome all. And has Professor Tripathi joined? Has he joined, Ruhi ma'am? Professor V.K. Tripathi, has he joined already? Okay. ठीक है, आदाब सर, अगर सर ने अच्छा आ गए हैं सर, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो एंड आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ स्पेशल ऑनर to welcome Professor V.K. Tripathi to this forum, and what could have been a better beginning to this camp than having to listen to Professor V.K. Tripathi, an IIT professor but a peace activist. और आज के माहौल, आज के हिंदुस्तान में, I think जो अगर स्पिरिट ऑफ गांधी जिंदा है, अगर हम गांधी कुछ लोगों में देखते हैं, उसमें एक प्रोफेसर वी के त्रिपाठी है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर
and a privilege to welcome Professor V.K. Tripathi to this forum. And I am grateful to the organizers for having him here. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am, for enlightening us. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to invite Professor Waqar Hussain, the NSS program coordinator of Jamia Millia Islamia, and a professor from the Department of Art Education, to enlighten us with his words of wisdom. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yes, hello. You are audible. Ji, sir. सबसे पहले तो मैं अपनी NSS फैमिली की तरफ से प्रोफेसर वी के त्रिपाठी साहब को खैर मकदम करता हूँ. अपनी पूरी NSS वॉलंटियर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स और जामिया की तरफ से मैं एजाज मसीह साहब, प्रोफेसर नाहिद जहूर साहिबा, डॉक्टर रूही फातिमा साहिबा, आरिफ साहब और ख़ास तौर से हमारे जो NSS वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उन सभी को अपनी NSS फैमिली की तरफ से वेलकम करता हूं. मुझसे कहा गया है कि मैं NSS में जो रेगुलर हमारी एक्टिविटीज़ गाहे बगाहे चलती रहती हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपने न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स को दूं. कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलर बेसिस पे हर साल होती हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से कोविड की वजह से वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई हैं, और शायद यही वजह है, शायद क्या बल्कि कसदन यही वजह है कि हम आज ऑनलाइन इतने बड़े अच्छे प्रोग्राम को कर रहे हैं. अगर आप यही प्रोग्राम ऑफलाइन फिज़िकली मोड में देखते तो हमारे जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता था, और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में जल्दी ही हम लोग इसको ऑफलाइन करेंगे. मैं रेगुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान रेगुलर बेसिस पे होता रहता है. एक एडमिशन इंफॉर्मेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एडमिशंस लगाया जाता है, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा रेगुलर एक साल में हेल्थ मेला होता है. ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स डिफरेंट फैकल्टीज़ में चलते रहते हैं एंड डायरेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर. सेलिब्रेशन होता है डिफरेंट इंटरनेशनल डेज और नेशनल डेज, जैसे अभी अगले मंथ जून में 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वी विल सेलिब्रेट, वो किया जाएगा. उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन कैंप्स हैं जो कि आपकी फैकल्टी में हर साल बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है. डिफरेंट जो वर्कशॉप्स हैं, लेक्चर्स हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लीडरशिप कैंप्स हैं, पीस बिल्डिंग वर्कशॉप्स एंड कैंप्स होते रहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए. HIV AIDS टेस्टिंग सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी अंसारी हेल्थ सेंटर में ऑलरेडी मौजूद है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है. एक ये फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी में है. डिफरेंट सोशल इश्यूज को लेकर
हम लोगों ने पिछले सालों में 4-5 साइकिल रैलीज की हैं। साइकिल रैलीज जैसे पहली एक साइकिल रैली थी दिलों को जोड़ो फ्रॉम पुष्कर टू दिल्ली, दूसरी रैली थी अमन कारवां फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसके बाद तीसरी हमने नारकंडा से दिल्ली तक की एक साइकिल रैली की, वो भी सोशल इशू था अमन कारवां, वो सॉरी सेव वाटर सेव अर्थ, डिजिटल इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड एक हमने रैली की थी फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, जिसका जो इशू उस टाइम सोशल इशू हमने रेज किया था बिल्डिंग इंडिया सेफ फॉर वीमेन। तो ये डिफरेंट हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ होती रहती हैं, और मैं सारे वॉलंटियर्स जो इस टाइम जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रेगुलर बेसिस पे हमारे NSS ऑफिस और डिफरेंट जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते रहते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड NSS ऑफिस से, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेन मकसद तो आप लोगों का एजुकेशन है, उसके अलावा जो आपकी टैलेंट है जो आपकी हॉबीज हैं जो आपके पैशन है उसको मरने मत दीजिए। और रिक्वेस्ट ये है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही ज़्यादा तादाद में और अच्छे से और पुरखलूस डिसिप्लिन वे में इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for addressing the audience and charm and adding charm to this event. Jamia Millia Islamia Gate, Department of Teacher Training and Non-Formal Education. 7 din students ke liye inka NSS camp aayojit kiya jata hai. COVID se pehle ye NSS program different courses se lagbhag 500 NSS volunteers ke saath kiya jata tha. स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन कोई वजह से अब ये ऑफलाइन कैंप संभव नहीं है, इसलिए पिछले सालों में इसे ऑनलाइन मोड में करने का फैसला लिया गया। इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं हर दिल अजीज NSS ऑफिसर डॉक्टर रूही फातिमा को बुलाना चाहूंगी। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज, यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए। थैंक यू अफसर, और थैंक यू शीना इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम जैसे आपने मुझे ड्यूटी दी है, मेरी स्क्रीन शेयर होनी शुरू हुई है क्या? यस मैम, जी हो रही है। अच्छा एक सेकेंड, सर एक सेकेंड मुझे दें, ये स्लाइड शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ये भी मेरे स्लाइड तो आ रही है मैम, उसको स्लाइड आ रही है, लेकिन मुझे मैं स्लाइड शेयर करना चाह रही हूं एक्चुअली। उसमें जो ऑप्शन है ऊपर की तरफ देखिए फ्रॉम बिगनिंग, हां वो ऊपर ही असल में ये वो आ गया है पूरा शेयर। मैम F5 प्रेस कर दें जी, F5 फंक्शन की 5 F5 उस नहीं हो रहा, हो गया कंट्रोल के। हाँ आ गया, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ NSS कैंप की, जो हमारे डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं हम उसके ऊपर बात। जहाँ तक बात है मोटो की, अभी शीना ने आपको बताया भी कि हमारा मोटो जो है वो है NSS का मोटो जो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं पर आप, हम सब। उससे ही आपको समझ में आता है कि जो डेमोक्रेटिक लिविंग और जो जरूरत है उसके ऊपर बात करते हैं वो NSS का मोटो जो है।
एनएसएस बेसिकली बच्चों को ये हेल्प करता है कि स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड एप्रिसिएशन टू अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो शो कंसिडरेशन टूवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स. जहां तक उसके एम की बात है तो प्रोग्राम का एम ही ये है कि हम जो एनएसएस का एम है वो है यही कि बच्चों स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर बच्चों को ये सिखाना कि सोसाइटी के लिए कैसे सर्विस हम कर सकते. एनएसएस वॉलंटियर एवरीवन हु इज नीडी गेट्स हेल्प एनहांस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. द मेन एम ऑफ एनएसएस अगर हम बात करें सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसएस आर टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी इन विच दे वर्क इन रिलेशन टू देयर कम्युनिटी एंड आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप अमंग देमसेल्व्स अ सेंस ऑफ सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम बात करते हैं अपने कैंपस की अपने डिपार्टमेंट की कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एनएसएस क्या है. जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जितने भी कोर्सेज हैं हमारे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में उसका एक कंपल्सरी पार्ट है नेशनल सर्विस स्कीम और को करिकुलर एक्टिविटीज और ये साथ साथ ही चलती हैं. इन एक्टिविटीज को करने के लिए एनएसएस और सीसीए की इन एक्टिविटीज को करने के लिए हम अपने फर्स्ट ईयर के तमाम बच्चों को तमाम स्टूडेंट्स को आर्ट हाउसेज में बांट देते हैं साल के शुरू ही में. जो हमारे हाउसेस के नाम हैं पहला है हमारा अजमल हाउस. ये सारे ही हाउसेस के जो नाम है ये हमारे फाउंडर्स के ऊपर हैं. तो हकीम अजमल खान साहब जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ हैं जानते हैं कि उनका जामिया की फाउंडेशन में जामिया के बनाने में क्या रोल है उसके हिसाब से हमने सब नाम रखे हैं. तो हकीम अजमल खान साहब के नाम के ऊपर हमारा अजमल हाउस है. सईद अंसारी साहब के नाम पर हमारा अंसारी हाउस है. मौलाना आज़ाद के साहब के नाम पर हमारा आज़ाद हाउस है. हमारे बापू गांधी जी के नाम पर हमारा गांधी हाउस है. इसी तरह प्रोफेसर मुजीब साहब के ऊपर हमारा मुजीब हाउस है. चाचा नेहरू के ऊपर हमारा नेहरू हाउस है. सैयदैन साहब के ऊपर सैयदैन हाउस है और जाकिर साहब के ऊपर के नाम के साथ के से जुड़ा हुआ हमारा जाकिर हाउस है. ये आठ हाउसेस हैं. साल के शुरू में ही हम अपना जो हमारा पूरा एरिया है हमारे गेट से लेकर हमारे कैंटीन एरिया तक हम पूरे अपने एरिया को आठ बराबर डिवाइड कर देते हैं. रोहित मैम जी सर स्लाइड्स मूव नहीं हो रही शायद एक बार दोबारा से अनशेयर करके दोबारा शेयर करिए. शेयर नहीं होंगे तो मसला हो जाएगा क्योंकि मेरे तो फोटोज ही फोटोज हैं. अब ठीक है मैम अब हो रहा है. तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो पूरा कैंपस है उस कैंपस को हम आठ बराबर के हिस्सों में बांट देते हैं और साल के शुरू में ही लॉटरी सिस्टम की मदद से हम हर हाउस को एक एक एरिया दे देते हैं अलॉट. हर वीक में जो हमारा टाइम टेबल है उसमें दो पीरियड हमारे एनएसएस और सीसी के नाम पर भी है. उन दो पीरियड्स में भी बच्चे अपने उस एरियाज में ही जनरली क्लास लेते हैं. वही क्लास होती है टीचर्स उनके साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो वहाँ और फिर पूरा प्लान करते हैं कि उस एरिया को वो कैसे डेवलप करेंगे कैसे डेकोरेट करेंगे. कैंप जो है जब सात दिन का हमारा जो कैंप है उस कैंप के बीच में हर हाउस पूरी तरह से अपने एरिया को डेकोरेट करता है उसको सजाता है और साथ साथ हमारे कैंप के अंदर डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स भी डिफरेंट हाउसेस जो हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं. हर हाउस न सिर्फ कोई ना कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है बल्कि उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं. हर प्रोग्राम के अंदर हर हाउस के बच्चों को पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी और लास्ट डे हमारा इवेल्युएशन होता है. हमारी शुरुआत इनॉग्रेशन से होती है. अभी कुछ साल पहले तक जब तक हमारा बीएड कोर्स एक साल का था
तो हमारी स्ट्रेंथ बी कम थी, हमारी स्ट्रेंथ बी एड की स्ट्रेंथ 100 थी, अब जो कि डबल हो चुकी है, तो इसलिए हमारे यहाँ के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हो गए। लेकिन जब हमारा छोटा सा कोर्स था, कम स्टूडेंट्स थे, तो हम अपना इनॉग्रेशन अपने IAC का जो हमारा न्यू हॉल है उसके अंदर करते थे। ये उसी वक्त की 2012 तस्वीर है ये। लेकिन जब से 2015 के बाद से जब हमारा 2 साल का बीएड हुआ, हमारी स्ट्रेंथ भी डबल हो गई है, तो हमारे लिए वो हॉल छोटा पड़ने लगा। उसके बाद से हम अपना इनॉग्रेशन अपने जो हमारा प्लेग्राउंड है उस प्लेग्राउंड के अंदर हम अपना इनॉग्रेशन करने लगे हैं। हमारे कैंप की शुरुआत हमारी असेंबली से होती है। जामिया के तराने में भी आपने असेंबली की बहुत सारी तस्वीरें देखी है, या कुछ और सारे बच्चे अपने अपने हाउस की लाइन में खड़े होते हैं। असेंबली की शुरुआत हम एक्सरसाइज से करते हैं। यहाँ देख रहे हैं लड़के लड़कियां सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, फील्ड में सारे बच्चे हैं अपने अपने हाउसेस के लाइनों में, लड़के लड़कियां सब मिलकर एक्सरसाइज कर। जो बच्चे लेट आते हैं उनकी हम एक अलग लाइन लगाते हैं, और असेंबली के बाद पूरे राउंड का उन्हें चक्कर लेना। कभी कभी जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते या ज्यादा शैतानी करते हैं, तो पूरे सारे हाउसेस के बच्चे को एक लाइन बनाकर, आपको यहाँ नजर भी आ रहा है, दूर तक आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे, पूरे फील्ड का 1, 2, 3 राउंड लेने होते हैं। ये सुबह सुबह की एक्सरसाइजेस के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए यहाँ बच्चों के चेहरे देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, किस खुशी के साथ कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस असेंबली को भी। उसके बाद हमारा जामिया का तराना होता है हमारी असेंबली में ही, जो हमारे हाउसेस के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है कैंपस डेवलपमेंट। सारे हाउसेस के बच्चे अपने अपने एरियाज में चले जाते हैं, शुरू होती है सफाई, झाड़ू से शुरू करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, जहां कूड़ा है उसे समेटते हैं। उसमें भी आप देखें तो लड़के लड़कियां सब मिलकर काम कर रहे हैं, फावड़े लड़कियों के हाथ में थे, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है किसी के बीच में। सामान इधर से उधर ले जाना हो, मट्टी इधर से उधर ढोनी हो या सफाई करनी हो, न सिर्फ कूड़ा उठाना है, बल्कि अगर कोई बाउंड्री टूटी फूटी है उसको भी बच्चे ही ठीक करते हैं। ये देखिए जो पीछे कुआं है हमारा, उसके सामने की सफाई हो चल रही है। अगर हमारी सीढ़ियां टूटी नहीं है तो उन्हें कलर कर देते हैं, जहां टूट रही है उन्हें ठीक कर देते हैं, लेकिन सफाई के नाम पर उस पे गेरू भी हो रहा है, क्यारियां ठीक की जा रही है, बेंचेस जो खराब है उन्हें ठीक किया जा रहा है, इसको रंग रंगा कर नया कर दिया गया। ये देखिए बच्चियां सब अपनी बेंचेस को ठीक कर रही हैं, क्यारियां बन रही हैं, सजाया जा रहा है, दीवार का कोना टूट गया है तो उसके ऊपर प्लास्टर भी किया जा रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ बन रहा है। यहाँ इस एरिया में कूड़ा सब सारे कॉलेज का, ये पार्किंग वाला एरिया है उसका एक एरिया है, एक हिस्सा है जहाँ पे कूड़ा पड़ता है, तो इस हाउस के बच्चों ने उस कूड़े को अलग करने के लिए एक अलग जगह बना ली। ये आपको शायद नजर आ रहा हो, डंडे हैं, उसमें रस्सी बंधी हुई है, ये एक एरिया अलग कर दिया कि इस एरिया में ही सारे बच्चे लग प्लानिंग अपने एरिया को सजाना है, उसके लिए और मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, ड्राइंग बन रही है। ये देखिए क्या क्या काम बच्चे कर रहे हैं, सारी अपनी ये स्टेंसिल्स लगा लगा के दीवारों को पेंट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। आप मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि आप लोग डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, तो जब आप आते जाते हैं तो यहाँ पर इन यहाँ की दीवारों की, यहाँ की सजावट जो नजर आती है वो आप जैसे ही बच्चों ने बनाई हुई है। ये देखिए एक बहुत खराब दीवार थी, इस पे पहले रंग किया, फिर इस पे तस्वीरें बनाई। ये यूपी वाला हिस्सा है, लास्ट जो हमारा लास्ट कैंप हुआ था उसमें हमने स्टेप वाइज दिए थे, तो ये यूपी वाला हिस्सा है, वहां पे ड्राइंग में इन्होंने ये देखिए पूरा ताजमहल बना दिया, वहां के डांसेस दिखा दिए, ये वर्ली की ड्राइंग भी बना दी, तरह तरह से अपने को सजाते हैं। ये एरिया है जो केरल का, इसको सजाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ा। आपको देखिए अपने हाउस का बैनर लगाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो ये डीन ऑफिस के उस पे छज्जे पे चढ़ गए। ये यहाँ देखिए यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, कुछ
गोल सा नजर आ रहा है, कुछ गेट सा बन रहा है, ये जो गेट था ये तो एक झोपड़ी बन गया, खुश खुश उस झोपड़ी में खड़े भी हो गए, आके तस्वीर भी खिंचाने। आप बच्चों के ड्रेसेस देखिए कितना एंजॉय करते हैं बच्चे, थक हार कर खाना भी हम सब साथ खाते हैं, खाना हम एनएसएस की तरफ से ही मिलता है, एक सा खाना सारे बच्चों को मिलता है, दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, मटर चावल, तहरी, आलू पूरी, कुछ जो भी खाना है हर हाउस को एक साथ दिया जाता है, और फिर वो हाउस वाले बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सबको बराबर बराबर बांट कर खाते हैं। बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी वही खाना खाते हैं, जो खाना बच्चे खाते हैं वही हम भी खाते हैं, सब मिलकर एक साथ एक बिल्कुल अलग माहौल बन जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ है जैसे बैतबाजी कॉम्पिटिशन, बैतबाजी का मुकाबला हो रहा है, जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, टीमें तैयार हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, और जब जीत गई तो ट्रॉफी लेकर फोटो भी खिंचवा ली। वाली बहुत हमारे यहाँ का हरदिल अजीज एक प्रोग्राम है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, कव्वाली हो रही है, जब जीते हैं तो इनामात भी तकसीम हो रहे हैं साथ के साथ। फ्लावर अरेंजमेंट प्रोग्राम, ये भी एक कॉम्पिटिशन है जिसको बच्चे बहुत खुशी खुशी उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की मौका। डिबेट, डिबेट भी हमारा एक प्रोग्राम है जो इस बार भी है, हर साल हम करते हैं, जजेस साहिबान बैठे हैं, बच्चा बोल रहा है अपनी बात बात, बच्चे बोल रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, जजेस साहिबान हैं, बाकी सब लोग, और जब जीत गए तो जजेस के साथ एक फोटो भी खिंचो। फिर नाटक, हमारा जो डीन ऑफिस का एरिया है वो वहां पर हम स्टेज बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक, ये जजेस साहिबान के बैठने की जगह बना दी है, सामने बच्चे हैं, और जब जीत गए तो इनामात भी ले लिए और खिंचवा लिए। ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन, पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन, तरह तरह के कॉम्पिटिशन हम अपने कल्चर प्रोग्राम के अंदर करते रहते हैं। न्यू हॉल के अंदर सारे बैठे टीचर्स प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, पीछे आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं, साइड में पीछे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, सब मिलजुल कर इस कल्चरल प्रोग्राम्स के मजे ले रहे हैं। आखिरी दिन होता है इवैल्यूएशन डे का, ये हमारा जो लास्ट कैंप हुआ था उसके इवैल्यूएशन डे का, ऑफलाइन जो हमारा लास्ट कैंप हुआ था उसके इवैल्यूएशन डे के हैं। यहाँ वाइस चांसलर मैम नजर आ रही है, डीन सर नजर आ रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, हमारे पुराने टीचर्स हैं, ये सारी जगहों पे जाकर मैम देख रही हैं, और जो दूसरे जजेस साहिबान हैं वो सब देख रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, एक उनसे उनके टैलेंट्स पूछ रहे हैं, क्या किया है, उसका थीम क्या है, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। मेहंदी का भी एक स्टॉल लगाया जाता है, ये गेस्ट हैं हमारी, ये मेहंदी लगवा रही हैं, और फिर जब सब चीज़ों से निमट जाते हैं तो अपने अपने एरियाज में जाकर अपने अपने साथ के लिए फोटो भी खिंचवा लेते हैं। ये केरल वाला हिस्सा है, एक लास्ट उसमें एक सेल्फी पॉइंट भी बना था जिसके अंदर लोग खड़े होकर न सिर्फ बच्चे बल्कि आपको यहाँ डीन सर, अपने एचआर साहब, अर्शद इकराम साहब, सब दूसरे टीचर्स भी यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखिए, ये हमारी टीचर्स हैं एंजॉय करती हुई पूरी तरह, आप ही लोगों ने एंजॉय नहीं करते, हम भी एंजॉय करते हैं पूरा। कैंप के बाद 7 दिन का हमारा कैंप होता है, 8वें दिन हम एक पिकनिक पर जाते हैं, वहां पर भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे अपने अपने टैलेंट दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में हमारे जो म्यूजिक टीचर हैं जमीर साहब, वो हम सबको गजलें सुना रहे हैं, पीछे बच्चे भी खड़े हैं, टीचर्स भी बैठे हैं, सब आगे पीछे सब मिलजुल कर यहाँ पर पिकनिक के मजे लेते हैं। 2020 में कोरोना के बाद जब हमें अपना कैंपस बंद करना पड़ा, अपनी कोई एक्टिविटी नहीं रोकी, क्लासेस हमारी वैसे ही चली, हमने अपना एनएसएस कैंप को ऑनलाइन मोड में किया। हमारा कैंप 2020-21 का यानी कि लास्ट ईयर का 7 जून से शुरू हुआ और 13 जून तक चला, गूगल मीट पे चला, हमने उसको ज्वाइन करवाया, और हमारा यूट्यूब चैनल जो हमारा जामिया का अपना, हमारे आरिफ सर ने, तनवीर सर ने, मामूर सर ने, इन लोगों ने मिलकर हमारा अपना यूट्यूब चैनल बनाया CCA और NSS के नाम पर। उस पे अगर आप जाएं तो आपको लास्ट ईयर के सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। इनॉग्रेशन डे के अंदर हमारे बहुत सारे गेस्ट थे, जैसे आज हमारे गेस्ट हैं, उस दिन भी वकार साहब थे, आबिद साहब थे, जुबैर मिनाई साहब थे, उस दिन उनका लेक्चर था, हमारे डीन
सर थे, वाहिद मैम थी और हमारा सारा स्टाफ था। जुबैर मैनाई साहब ने लेक्चर दिया रोल ऑफ सोशल सर्विस इन पेंडेमिक सिचुएशन। इसके अंदर उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर बात की और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर बात की। उसके बाद टीचर्स ने भी बात की, हमारी प्रोफेसर फरा फारूकी मैम टॉक्ड अबाउट द पेंडेमिक एंड हाउ एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी सेफ इन कमिंग आउट ऑफ द क्रिस। प्रोफेसर एजाज मसीह साहब हमारे जो डीन है वो ही ऑल्सो शेयर्ड हाउ डिस्पाइट द हार्डशिप ऑफ द पेंडेमिक वी आर स्टिल इम्पार्टिंग नॉलेज एंड ओवरकमिंग द सिचुएशन। Nothing hinders the learning process. ये हमारा main message है। कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है किसी भी पढ़ाई के लिए, activities के लिए। आखिर में इस दिन डॉक्टर तबस्सुम नकी मैम ने जितने हमारे गेस्ट थे सबका शुक्रिया अदा किया। इस पेंडेमिक के बावजूद हमारी स्प्रिट में कोई कमी नहीं, ना उस दिन थी ना आज है। ये हमारे पहले दिन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप यहाँ टीचर्स के चेहरे देख सकते हैं। पूरा गूगल मीट पे हमने प्रोग्राम किया था, आपको यहाँ देख सकते हैं, बच्चे भी हैं टीचर्स भी हैं। जुबैर मीनाई साहब अपना लेक्चर उन्होंने दिया था, उनके कुछ ग्लिम्सेस हैं और ये हमारे पूरे ग्लिम्सेस हैं। इंग्लिश क्योंकि हमारे यहाँ तीनों मीडियम के बच्चे होते हैं। हाउस और मुजीब हाउस ने इसे ऑर्गेनाइज किया। तीसरे दिन हमने गजल सराई का हाउस कंपटीशन किया जिसको सैयदैन हाउस और जाकिर हाउस ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारी डिबेट की कुछ ग्लिम्सेस हैं, ये जजेस हैं, चेहरे देखिए, बातें देखिए, कितना एंजॉय करते हैं सब। ये हमारा गजल सराई का की ग्लिम्सेस है, कंपटीशन था। उसके जज महफूज साहब, नियाज फातिमा मैम, मैम फौजिया मैम और दूसरे साहिबान टीचर्स तबस्सुम मैम भी नजर आ रही है। दिन किया कि यूथ नीड्स टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अचीवमेंट एंड इंडिपेंडेंस टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। हर बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होना चाहिए, उसके हिसाब से बच्चे का। ये उसकी कुछ ग्लिम्सेस हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर जो आबिद साहब ने लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के बाद हमारे डॉक्टर आरिफ मोहम्मद साहब ने भी एक लेक्चर दिया था ऑन अचीविंग मेंटल हेल्थ थ्रू योगा। योगा की मदद से आप कैसे मेंटल हेल्थ ठीक कर सकते। और उसके बाद हमने न्यू नॉर्मल एंड मेंटल हेल्थ के नाम पर बच्चों ने कुछ पोस्टर्स बनाए थे, उनका प्रेजेंट। ये उसकी कुछ ग्लिम्सेस। दो हजार बीस में पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था और सब कुछ बंद कर दिया गया था। 2021 जब हम ये अपना कैंप कर रहे थे, हमारा एक सही थी, बहुत तकलीफें उठाई थी, एक नई जिंदगी देखी थी। तो डिफरेंट वेव्स आ रही थी, उसमें हम लोगों ने अपने बहुत सारे साथियों को खोया भी था। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी थी जिन तक बात पहुंच नहीं रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने NSSCCA वर्कशॉप के अंदर जो उसका 5th डे प्रेजेंट सिचुएशन, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में बच्चों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर वो अपने छठे दिन हमने ये हमारे एक्सपीरियंसेस वाले क्लिप्स हैं। बच्चों ने अपने कैसे उन्होंने उस खराब वक्त में उस मुश्किल से उन्होंने काम किया उसके ऊपर उन्होंने पूरे अपनी चीजें उसको शेयर किया। कुछ बच्चों ने उस हौसला करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में
इंटर्नशिप भी की, नर्सिंग इंटर्नशिप भी की, अल्शिफा हॉस्पिटल में ये एक बच्ची ने शेयर किया था, उसने वहां इंटर्नशिप की थी, तो कैसे उसने अपना एक्सपीरियंसेस जो थे उसके ऊपर शेयर किया। ये हमारा जो तमसीली मुशायरा है उसके ग्लिम्पसेस हैं कुछ। 13th जून जो हमारा लास्ट डे था ऑनलाइन वर्कशॉप का, उस दिन वकार अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, हमारे NSS कोऑर्डिनेटर, उन्होंने प्रोफेसर वी के त्रिपाठी सर, IIT से रिटायर्ड प्रोफेसर, बहुत बड़े फिजिशियस्ट, आप IIT वी के त्रिपाठी टाइप कीजिए गूगल पे, आपको इनके बारे में ढेर इंफॉर्मेशन मिलेंगे। उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पर एक हमें लेक्चर दिया था, सेवन डे की एक वर्कशॉप की पूरी रिपोर्ट पेश की थी, एजाज साहब ने भी कुछ अल्फाज बोले थे और आखिर में नाहिद मैम ने हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके कुछ ग्लिम्पसेस। इसी के साथ हमारा ये, मैं इसको रोकती हूँ, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा शायद लंबा हो गया था लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने एंजॉय किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमने दिखाने की कोशिश की। आदावर जी सर, आप आ गए। आदावर जी, आदावर रूही, कैसे हैं आप? दुआएं हैं आपकी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने रखी। बहुत अच्छा रूही मैडम, मैं चाहती हूं इस वक्त है और वहां सुबह के 4:30 या 5 बज रहा है। आप बच्चों को सीखने की जरूरत है। कैसे? मेरे एक फोन पर दिल्ली में नहीं थे, सर ने कहा मैं वहां हूं, मैं वहां से भी ज्वाइन करूंगा, और आप देखिए सही वक्त पर सर ने और ये बता दें कि कितनी देर मुझे बोलना है और कब चालू होगा। पौने छह कर अभी अभी बस मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा, आपके पास 1 घंटा होगा सर। बस बस, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। शीना अफजा, चीना आफरीन, चीना तो बुलाइए। आप शुरू कर दें। शीना है नहीं शायद, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू कुछ हो गया। ये है हफ्सा है, आफरीन है, शुरू करें। हफ्सा और आफरीन, प्लीज अफसा कंटिन्यू करिए, पता नहीं आवाज नहीं जा रही लग रहा। नाज़रीन, मैं जामिया की NSS की सरगर्मियों पर कुछ रोशनी डालना चाहूंगी। नेशनल सर्विस स्कीम जो कि अमूमन NSS के नाम से जानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। इसका आगाज 1969 में महात्मा गांधी की बर्थ सेंटेनरी ईयर में उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए 37 यूनिवर्सिटीज में किया गया। इसमें 40,000 तलबा शामिल थे और उनकी बुनियादी तवज्जो कम्युनिटी सर्विस के जरिए तलबा की शख्सियत की नशोनुमा करना था।
डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में फैला हुआ है और 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स इसमें वॉलंटियर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं। एनएसएस प्रोग्राम ने जामिया में साल दर साल तरक्की की है। शुरुआत 100 का हिस्सा है जो कि यूनिवर्सिटी की तलबा का एक बड़ा हिस्सा है। मजीद मालूमात के लिए मैं डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी सर को दावत देना चाहूंगी जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया एनएसएस स्कीम के प्रोग्राम के एक एक्टिव ऑफिसर हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर प्लीज आइए और एनएसएस एक्टिविटीज पे मुख्त आबिद साहब भी नहीं है अभी इस वक्त। सब क्या चलेगा? शीना एनएसएस सॉन्ग के लिए कर लीजिए पहले, जब तक आबिद सर जुड़ जाएंगे। Thank you.
छात्रों में समाज सेवा की भावना पैदा करना और बिना किसी प्रेजुडिस के जरूरतमंद को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने और सम्मान का जीवन व्यतीत करने में मदद मिले। ऐसा करने में वॉलेंटियर्स गांव के लोगों से सीखते हैं कि रिसोर्सेज की कमी के बावजूद एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करें। अच्छा जी, ये आपदा पीड़ितों को भोजन, कपड़े, बेस्ट मेडिकल सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। इसी भावना को और कुछ इशू हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं शायद। हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, हमारे सर आज तो आप लोग सर को बुला लें, हम अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। ठीक है। इस दिन के चीफ गेस्ट, प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी सर का परिचय कराने का अवसर पाकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिक्स के रिटायर जगह बनाने के मिशन पर है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि हमें लोगों के पास जाने और उनके दिमाग से प्रीजुडिसेस को दूर करने की जरूरत है। इस प्रकार का पोलराइजेशन राष्ट्र की एकता के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे समय में जब इस देश में लोगों के बीच अशांति, हिंसा और नफरत है, सर सभी आयु फेमिनिज्म पर वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, देश में गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय पेश कर रहे हैं, अपने सीधी सादी खादी की पोशाक और कंधों पर किला लटकाए आधुनिक युग के बापू के नाम से जाने जाते हैं। लोगों में टेक्नोलॉजी, सेक्युलरिज्म और नॉन वायलेंस का प्रकाश फैला रहे हैं। ये आधुनिक रूप के बापू बल्कि कोई और नहीं प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी सर हैं। इस नोट के साथ मैं सर को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हम छात्रों को जीने का सही दर्शन दिखलाएं। आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान ए, मैं स्टूडेंट से कुछ गुजारिश करना चाहूंगी कि इंश्योर करें आपका माइक म्यूट पर हो और यदि आपके पास लेक्चर के दौरान कोई भी सवाल है तो उसे चैट सेक्शन में लिखें। उसमें आपका नाम, आपके सेक्शन का नाम और आपका सवाल लिखना है। लेक्चर के बीच में किसी को भी अनम्यूट अपना माइक अनम्यूट करने की या रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है। अंत में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नाउ हैवी अप्लॉज फॉर द चीफ गेस्ट इज मच नीडेड, प्लीज सर टेक ओवर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रूही फातिमा एंड फ्रेंड्स। Has been my concern for last 32 years. मैं पैदा तो हुआ था आजाद मुल्क में और जब मेरी परवरिश हुई तो अब्बा और अम्मी ने मुझे पाला। जिस सरकारी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ उसमें अहमद बख्श मेरे टीचर थे। बहुत मोहब्बत से और अपनेपन से उन्हें मुझे पढ़ाया तो मेरी ज़हनियत, मेरी जिस्म में तो मेरे अम्मी अब्बा का खून है लेकिन मेरे दिमाग को मेरे उस्ताद ने बनाया।
80 करोड़ बनके मुल्क की पूरी आबादी, जिनकी रगों में हिंदू खून है तो दिमाग को में मुस्लिम ज़हनियत, मुसलमानों ने दिमाग को बनाया, और अगर रगों में मुसलमान खून है तो उनके दिमाग को हिंदुओं ने बनाया। इसलिए ये कहना फजूल है कि हम हिंदू संस्कृति के बारे से कि मुसलमान संस्कृति के बारे से, हमारी मिलीजुली संस्कृति है और ये नकली मिलावट नहीं है, रगों में मिलावट है, हमारे अखलाक में, हमारे सोच में। मिलजुल के इस मिल्क को बनाया। 1757 का साल हिंदुस्तान की तारीख का गंभीर साल है। उसके पहले के बारे में अमेरिका के एक इतिहासकार एडम जोन्स ने किताब लिखी थी 2006 में, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में 1757 में लगभग उसके 300 बरस पहले तक कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा था, और अंग्रेजों के आने के बाद 1757 में जब सिराजुद्दौला को हरा के इतने हर 10वें साल अकाल पड़ने लगी। सबसे पहला अकाल तो पड़ा 1770 में, यानी अंग्रेजों की हुकूमत आई 1757 में, और पहला बड़ा अकाल पड़ा 1770 में 13 साल के बाद। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सिराजुद्दौला के जमाने में जितना हमारे मुल्क पर वो टैक्स वगैरह लगता था किसानों पर, उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया। तो 1770 में जो अकाल पड़ा उसमें 1 करोड़ लोग मर गए, 10 मिलियन, और 17 का एडवांस्ड वर्जन दाखिल हुआ। 1800 के आखिर तक, 1800 आते आते करीब 40 बड़े कारखाने कपड़े के अंग्रेजों के तैयार हो गए। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान 1757 में दुनिया की कपड़े के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क था। वर्ल्ड टेक्सटाइल ट्रेड में हिंदुस्तानी कपड़े का कारोबार का पूरी दुनिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 30%। तो ये मंजर था हमारे मुल्क का, जिसको हिंदुस्तान के इस मुल्क को बनाया था। किसी भी बादशाह का, राजा का आप आकलन करो, नहीं होता। राजा का एक पूरा निजाम होता है, उसका प्रशासन होता है, वजीर होते हैं, के पहले अच्छा था कि बुरा, इस बात को आंकना हो तो इन्हीं पैमानों पे आंका जाएगा कि में लोगों की लड़ाइयां तो नहीं बढ़ती थी, नफरत तो नहीं भड़काई जाती थी, ये काम होता है हुकूमत का, और उससे उसको आंका तक, यानी अकबर से भी पहले का जमाना शामिल होता है उसमें। अकबर से लेके वो पीरियड तो हमारे मुल्क का वो पीरियड था, इसका ट्रांजिशन का पीरियड है कि हमने दुनिया में मॉडर्न साइंस की शुरुआत सत्तर के बाद हर 10वें साल अकाल पड़ने लगे। 1800 में जब कपड़े के कारखाने इंग्लैंड में पनपे तो के माल को, कपड़े तैयार कपड़े को बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चुंगियां
का लड़का था और पना हो गया था मुल्क के खातिर और अंग्रेजों की हुकूमत टैक्स लगाए, इतनी बड़ी बड़ी चुंगियां लगा दी कि अगर कपड़ा आपका मुर्शिदाबाद में पैदा होता है वो बिकने के लिए बनारस जाएगा तो उस पर हैवी टैक्स लगेगा, बनारस से पटना दिल्ली आएगा तो और टैक्स लगेगा, वहां से कहीं और जाएगा तो फिर टैक्स लगेगा। नतीजा ये था कि इंग्लैंड के कपड़े की तुलना में हमारे मुल्क का कपड़ा महंगा पड़ने लगा और उसकी बिक्री कम हो गई। खैर, एक सूरत तो कारखाने की वजह से हम बर्बाद हुए, हिंदुस्तान में बिकवाने के लिए बाजार मुहैया कराने के लिए हिंदुस्तान तबाह हुआ, एक मंजर तो हमारे सामने ये पेश आया। उसी वक्त का दायरा फैलाते जा रहे थे, टीपू सुल्तान का जमाना था और टीपू सुल्तान ने मैसूर के इलाके में, मतलब मैसूर राज्य उनका राज्य था, वो भी हमारे हिंदुस्तान का काफी एडवांस राज्य था। लोग तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे दूरदर्शी राजा माना जाता है उस जमाने का। वो जानता था कि अंग्रेज हमें किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाएंगे, तो उसने अपने यहाँ की नेवी वगैरह को मजबूत करने की कोशिश की। खैर, वो भी खत्म हो गया 1800 के आते आते। सत्तर का तो एक आदिवासी लड़का खड़ा हुआ, तिलका मांझी, जैसे ही हिंदुस्तान गुलाम बना तो राजाओं ने सबसे अव्वल नाम टीपू सुल्तान का है, मराठाओं के भी आते हैं लेकिन बाद में वो हार भी गए, सभी लोग हार गए। लेकिन उसी वक्त हमारे मुल्क में आदि आपने तो हमारी खेती पे बंदिशें लगा दी कि हम नील पैदा करें, कि हम अफीम पैदा करें वगैरह वगैरह, तो उसके खिलाफ विद्रोह हिंदुस्तान में चलते रहे। 1857 का विद्रोह खास तौर से, आज हम सारे के सारे लोग 1857 के विद्रोह के रहनुमा वाले पूरे मुल्क के वो लोग, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और उनका बहुत बड़ा साथी, उसको हम लोग आजाद 1857 की लड़ाई का मास्टरमाइंड कहते हैं, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल, ये तमाम लोग बाजी लगा दी। कई महीनों तक हिंदुस्तान का बड़ा इलाका अंग्रेजी हुकूमत टैक्स वगैरह पे कंट्रोल था नहीं, थोड़े पीरियड के लिए करने की कोशिश की लेकिन बहुत थोड़ा पीरियड था इनको संभलने के लिए, लिहाजा अंग्रेज फिर हावी हो गए और 1857 फिर हमारे मुल्क की एक के बाद का जो पीरियड है फिर का प्रेजुडिस हर इंसान में थोड़ी बहुत होती है, मेरा धर्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मेरी हैसियत बड़ी, ऐसा थोड़ा सा गुमान लोगों को होता है। ये तो हुआ घमंड। प्रेजुडिस के बारे में थोड़ा मैं स्पेसिफाई करूं क्योंकि 1857 के बाद प्रेजुडिस हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, राजनीतिक औजार बन के उभरी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब से लेके वो आज तक चूंकि एक औजार के रूप में इस्तेमाल हो रही है तो हम प्रेजुडिस के माने होता है दूसरों के बारे में जैसे वो है उससे हटके कोई धारणा बना लेना। अब आपको पता है कि हिंदुस्तान के जो जैसे मुसलमान है, अब मुसलमानों को हम किसी से मिले और अगर हम कहें कि साहब
औरंगजेब ने जुलम किया या मोहम्मद गौरी ने जुलम किया या किसी ने किया, तो हमारे दिमाग में एक हुक्मरान की ऐसी तस्वीर या आक्रांता की ऐसी तस्वीर बन गई का नाम भी मुसलमान जैसा है और हमारे पड़ोस में काम करने वाले अकबर खान का नाम अकबर खान से मिले तो हमें लगा कि ये तो मोहम्मद गौरी है, उसकी तरह हम व्यवहार करें उससे, इसको गलत धारणा कहते हैं। नाम हिंदू नाम है, गॉडसे का भी नाम हिंदू नाम है, हम गॉडसे की इमेज उस पर इम्पोज कर दें, इसको गलत धारणा कहते हैं। यानी जो आदमी जैसा नहीं आंख बंद कर लेना, इसको गलत धारणा कहते हैं। टू इम्पोज इमेजेस किसी शख्स पर दूसरे की इमेज इसको गलत धारणा कहते हैं। तो हमारे मुल्क में 1857 के पहले इस तरीके की रही होंगी थी नहीं, कम्युनिटीज के बारे में नहीं थी, नर्चर की गई। हिंदुस्तान के जमींदार तबके को, हिंदुस्तान के महाजनी तबके को जो 10% पर मंथ का ब्याज लेते थे, उस तबके को अपनी अथॉरिटी कि भाई मेरे चंगुल हुकूमत करने वाली अंग्रेज हुकूमत ने हमारे जहन को इन तबकों के जरिए ऐसा तैयार किया कि आप अपने मजदूर को लूटो भी और गुमान महसूस करो कि आपने बड़प्पन का देशभक्ति का काम कर दिया क्योंकि उसका धर्म आपके धर्म से हटके है। जात का तो हमारे मुल्क में था बड़प्पन और नफरत या ध्वस जमाना, बड़प्पन जताना, लूटना और लूट के कहना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये जो प्रेजुडिस है ये नर्चर की गई 1858 के बाद जमीन अफसरों, ये तीन ऐसे क्लासेस खड़े हुए अंग्रेजों की मदद के लिए कि इन लोग पन पाया, लेकिन बहुत डोरमेंट रही, सब जमींदारों ने ऐसा नहीं किया, सब लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो 20 उनको दिमाग में आ गया कि भाई हमें पोलराइज करना है समाज को और लिहाजा तजवीज करनी है ऐसे मुद्दों की जिसके आधार पर और शिद्दत से एसर्ट कर सके। तो चलते चलते खैर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ हालांकि विद्रोह शांत हो गया था, लेकिन अवाम में से तमाम लोग आजादी के जज्बे से भी भरे हुए थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और उसके आगे चल के वो एक अपना मुंडा का खासतौर से नाम लोग लेते हैं और तमाम बंगाल में कई हुए, आसाम में किसानों के इस प्रकार का। एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, 1857 में हमारे मुल्क को ने विद्रोह किया और 1860 के आसपास अफीम को लेकर जंग छेड़ दी चाइना पे इंग्लैंड। अफीम हिंदुस्तान में पैदा करो, किसानों को मजबूर करो कि तुम अफीम पैदा करो,
और चाइना को मजबूर करो कि तुम हमारी अफीम खरीदो, और जब नहीं लाखों लोग मारे गए उसमें, नाकेबंदी कर दी गई, और उस जंग के बाद उनके अफीम के लिए बाजार खुलवा लिया, टेक्सटाइल के लिए खुलवा, तमाम चीजों के लिए खुलवा लिया। जिसने आगे चल के वहां पे ऐसी बदमनी फैलाई कि वहां पे दसियों लाख से लेके और 10-20 साल में वहां पर एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हमारे हिंदुस्तान में तो अंग्रेजों ने हमारे मुल्क। अच्छा एक बात और, अभी का कितना पैसा इंग्लैंड गया, कारण क्या था कि जो आमदनी होती थी उसी आमदनी से वो हिंदुस्तान का माल खरीदते थे जो विदेशों में बिकता था, मसाले वगैरह। इंग्लैंड के लोगों के द्वारा जो हैवी टैक्स वसूल किया गया उसी के हिस्से से माल खरीदा, वह कमाया। तो इनने आकलन किया तो उन्होंने कहा कि 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे मुल्क से खिंच के चला गया अंग्रेजी राज के। वैसे तो 190 साल राज किया अंग्रेजों ने, उन्होंने करीब 140 साल के बीच का आकलन निकाला, इस पीरियड में करीब 40-45 ट्रिलियन डॉलर हमारे मुल्क का इंग्लैंड गया। और हमारे मुल्क का अभी तक कि हमारी पूंजी बाहर चली गई, हम भूखे मरने लग गए, तो हमने वो किया नहीं। गांधी जी ने 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया किसानों के सवाल, बटे 20 भाग पर उनको 16% जमीन पर उनको कायदा कानून वापस लेना पड़ा। तो तब से आजादी की लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन बड़ा मसला कम हो गया, इसकी 2-3 बातें आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आप बच्चों से आप आगे चल के बच्चों को पढ़ाएंगे मैं चाहता हूं कि हम अपने दिमाग से अगर गलत धारणाएं मिटा लेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों के दिमाग को भी साफ कर देंगे। ये जो बीमारी साम्राज्यवाद का औजार बनी, नफरत, ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड या ऑर्गेनाइज्ड प्रेजुडिस, उससे लड़ना हमारी जरूरत है आज भी। 1858 में तो मैंने कहा बीज डाला अंग्रेजों ने, और गांधी जी ने जब शुरुआत की 1917 में, दार तबका था, इलीट क्लास था, तबके ने फिरका वारियत को जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये कम्युनल नहीं थे शुरू में, लेकिन उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को पकड़ लिया और ये सांप्रदायिक हो गए। नया संगठन ने खड़ा कर दिया 1925 में। इस तरीके से हिंदुस्तान में 1919 का साल दो एतबार से महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान में खौफ के अंदर दबे थे हिंदुस्तानी लोग, जमींदार का खौफ, पुलिस का खौफ, अफसरों का खौफ, जबरदस्त
वार हो गया, और पहले वर्ल्ड वार में हुआ क्या था जरा आप गौर कर लें। पहले वर्ल्ड वार में कहने को तो ये था कि भाई दो खेमे में इंग्लैंड, इंग्लैंड के खेमे में रूस भी था, फ्रांस था, और जर्मनी के खेमे में टर्की भी था, और भी मुल्क थे। टर्की का जो साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर कहलाता था, उसका तमाम तेल वाले मुल्कों पे कब्जा था। मैं मानता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो षड्यंत्र था वो सीधी साम्राज्यवादी लड़ाई तो कहने को तो थी जर्मनी और इंग्लैंड के खेमे। क्योंकि 1800 के आसपास स्टीम इंजन के बाद पूर्ण हुआ, तो जिन तेल के मुल्कों पर हुकूमत वो टर्किश एम्पायर का हिस्सा थे, जैसे इजिप्ट है और तमाम यूरोपीय फिलिस्तीन है, ब्रिटिश एम्पायर तमाम मुल्कों को मदद मिले। टर्किश एम्पायर ऐसा करता नहीं था, कहने को एम्पायर था, जैसे हमारे साहब दिल्ली की सल्तनत के लिए उनको पैसा जुटाना है। तमाम मुल्क के जो राजा थे वो टर्किश एम्पायर में भी ऐसे ही था, तमाम मुल्क एक दूसरे का शोषण नहीं करते थे। लेकिन जब इंग्लैंड ने उस पर कब्जा कर लिया, अब सेकंड वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन्हें तोड़ दिया ऑटोमन एम्पायर को, और उन मुल्कों पे कब्जा कर लिया, तो फिर तेल एक कमोडिटी बन गया कि जिसका लूटना है, नॉट ओनली चाहो कि ये मुल्क कभी टिक ना सके, स्टेबल ना बन सके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा नुकसान वर्ल्ड वार वन से, और उस वर्ल्ड वार वन का हमारे लिए क्या अहमियत है, अहमियत यह है कि उस दौरान हमारे मुल्क के सैनिक, लाखों सैनिक, दसियों लाख सैनिक तैनात किए गए दूसरे मुल्कों में, खासतौर से अरब मुल्कों में लड़ने के लिए, जिनसे हमारे दोस्ताना ताल्लुक रहे सैकड़ों बरस पहले से, उनसे हमारे सैनिक लड़े। कितने लोग मरे हिंदुस्तानी सैनिक, 74,000, इंडिया गेट पे उनके नाम दर्ज है। तो हमारे मुल्क के पहले वर्ल्ड वार में, और जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने कहा रॉलट बिल बनेगा, जिसमें के लोगों के बोलने की आजादी को खत्म किया गया। वैसे तो आप शादी ब्याह करो तो 100-200-400 लोग भी मिल लो, लेकिन अगर आपने कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन किया तो चार लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते विदाउट प्रायर परमिशन। व्यापी हड़ताल होनी चाहिए 6 अप्रैल को, कम्युनिकेशन की गफलत की वजह से दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को हो गई। किम अजमल खान साहब और एक स्वामी श्रद्धानंद और बाकी तमाम लोग थे, तो इन लोगों की वजह से मुकम्मल हड़ताल हुई। अंग्रेजों ने बिल्कुल पीसफुल लोगों पर गोली चलवाई, उसमें 16 लोग मर गए। डायरेक्शन में बहुत बड़ा कदम है, और हिंदुस्तान के इस आंदोलन ने 1919 के सत्याग्रह ने, रॉलट बिल सत्याग्रह ने हिंदुस्तानियों के दिमाग से खौफ निकाल दिया। दसियों लाख की तादाद में लोग सड़कों पर आए, पुलिस का खौफ छोड़ के, जमींदार का खौफ छोड़ के, गोलियों का खौफ छोड़ के। दिल्ली में 16 लोग मरे,
करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए, कई जगह गोली चली, उसमें भी लोग मरे। फिर कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया तो 13 अप्रैल की तारीख आई, पंजाब वहां पर लोग जमा हुए, 10,000 लोग जमा हुए। जनरल डायर ने हिंदुस्तानी सिपाहियों से गोली चलवा दी, उस पर सिपाही तो गुलाम है, हुकूमत उनको हुक्म दिया तो गोली चला दी, मर गए लोग, करीब 1,000 लोग मरे जलियांवाला बाग में, और तमाम जुल्म हुए। तो तमाम जुल्मों के बावजूद हिंदुस्तान के दिमाग से खौफ निकल गया। इसमें एक बात का और मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके आमतौर पर आप लोगों ने किताबों आश्रम में रहती थी, तो गांधी जी चाहते थे कि हम कपड़े बनाने का सिलसिला चालू करें ताकि अंग्रेजी कपड़े पे हमारी डिपेंडेंस कारखानों के सूत से कपड़ा बनाते हैं, हमें हाथ से कताव चाहिए। तो वो लड़की गई, उसका नाम मेरे दिमाग से अभी उतर गया, वो गई और वो गुजरात के किसी गांव का काम चालू करो। तो 1919 में जब सत्याग्रह चला रॉलट बिल के खिलाफ, उसी वक्त उसी साल चरखे को गांधी जी ने दाखिल किया और वो चरखा ऐसा फैला हिंदुस्तान के गांवों में, कांग्रेस कातना और गांव-गांव में सूत कातने वाले जो कार्यकर्ता होते थे वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे, तो उनसे के जरिए अगर कहीं जाती की तो लोग कहते थे भाई चलो ये कांग्रेसी ये खादी वाले लोग हमें बचा लेंगे। लिहाजा खौफ से निजात दिलाने में खादी ने बड़ा रोल अदा किया। एक बात बताने में भूल गया कि गांधी जी ने 1916 महसूस किया कि कुछ लोग सभा से बाहर दूर बैठे हैं। पूछा कि क्यों दूर बैठे हो, उन्होंने कहा साहब हम अछूत गोधरा में एक हरिजन आश्रम कायम किया और आज भी वो आश्रम कायम है, और उन्होंने छुआछूत मिटाने को, अस्पृश्यता निवारण को आजादी आंदोलन का अहम हिस्सा बनाया। यानी हमारा जो आजादी का आंदोलन, वैसे तो कांग्रेस की शुरुआत 1885 से हो गई और उसकी शुरुआत चंपारण से होती है, लेकिन असली शुरुआत 1919 से होती है और उसमें सब कम्युनिटी की भागीदारी है। मुसलमानों की आबादी मुल्क में उस वक्त 25% के करीब थी, कांग्रेस की मेंबरशिप 25% कम से कम मुसलमानों की थी, और जेल जाने वालों में, कत्ल होने वाले में, फना होने वालों में लगभग इतने मुसलमान थे हर आंदोलन में। जड़ पकड़ी, जनता में फैल गई, तो हमारे मुल्क में प्रेजुडिसेस बढ़ाने का सिलसिला चालू हुआ। ऑर्गेनाइज तरीके से संगठन खड़े करके लोगों के दिमाग में नफरत भड़काओ। खैर, हिंदुस्तान सन 46 के मुहाने पे आ गया। सन 46 के पहले तक भले ही मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कर चुकी हो, लेकिन 1940 के एकदम बाद मुस्लिम लीग के पार्टीशन के रेजोल्यूशन पास होने के एकदम बाद हमारे हिंदुस्तान में, दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री थे अल्लाह बख्श, उनकी रहनुमाई में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लोग मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जमायत उलमा हिंद मुस्लिम लीग के कन्वेंशन से इन
लोगों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया। यानी हमारे मुल्क में एक तरफ प्रेजुडिसेस के आधार पर दो फाड़ करने की कोशिश अवाम के दरमियान, और एक तरफ हमारे मुल्क के अवाम में शिद्दत कि हम इस राजनीतिक फूट को नीचे नहीं उतरने देंगे, चंद पार्टियों से नीचे नहीं जाने देंगे। उधर ये फिरकावारियत वाली पार्टी, मतलब खासतौर से सरकार थी वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की मिली जुली सरकार थी। ये दोनों पार्टियां हिंदुस्तान के टुकड़े करवाना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुसलमानों यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो डिफेक्ट रूप में तो देश के बंटवारे की ही बात थी। तो एक ने सीधी बात करी, एक ने टेढ़ी बात की, लेकिन बंटवारा हुआ नहीं। इस पे आप गौर कर ले, 1947 में मुल्क तकसीम नहीं हुआ, हुआ है पॉलिटिकल को मिली, बाकी की कांग्रेस को मिली, यही हुआ था। अब हम मुक्त थे, फ्री थे कि आप जहां रहना चाहो रह लो। अब यह बात दीगर है कि दंगे फसाद फैल गए, गुंडे बदमाशों ने मजबूर कर दिया, तो लोगों को भागना पड़ा। और पार्टीशन के दौरान भी जो वायलेंस हुआ वो इतना भेजा था कि हिंदू मुसलमान सिख सब पे मुसीबत गुजरी। एक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ ताकि हम इस गलत फहमी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, हिंदुस्तान का जमींदार तबका रिस्पॉन्सिबल था, हिंदुस्तान का महाजन तबका रिस्पॉन्सिबल था, हिंदुस्तान का अफसर तबका रिस्पॉन्सिबल था, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल था हमारे ऊपर हावी ब्रिटिश हुकूमत। आप अवाम को दोष ना दें हरगिज, और इन इलीट क्लास में भी सब लोग नहीं, चुनिंदा तंग दिली वाले लोग बहुत लिमिटेड। हिंदुस्तान में वोट डालने कहा कि 1% लोगों को था सेंट्रल असेंबली के लिए, तो सिर्फ 1% लोग। इसलिए आप अवाम पर तहमत ना मढ़े। जहां तक वायलेंस का मसला है, किसी कौम को फायदा नहीं हुआ है, बहुत बर्बादी झेली है। पंजाब का मैं जिक्र करूं क्योंकि पंजाब में सबसे एक इतिहास की किताब लिखी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, बड़ी किताब है, उसको मैंने पढ़ा और पेंडरल मून का हवाला तमाम लोगों से सुना। उसमें लिखा है कि पंजाब में वायलेंस हुआ, उसमें 1,80,000 लोग मारे गए। हिंदुस्तानी पंजाब में 1,20,000 लोग मारे गए, जो ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे। पाकिस्तानी पंजाब में 60,000 लोग मारे गए, जो ज्यादातर मरने वाले सिख और हिंदू थे। आप ये ना सोचे कि मुसलमानों को जैसे कोई बहुत बड़ा स्वर्ग मिल गया और हिंदू या हिंदुओं को स्वर्ग मिल गया और मुसलमानों को बर्बादी हो गई, ऐसा नहीं। सब पे बर्बादी का मंजर गुजरा है। और ये रुक गए, अगर अवाम के अंदर एक दूसरे से नफरत होती तो दंगे चालू रहते। तो वो तो ये जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थी, इनकी जो फौजें थी, जो हमारे जमींदारों के कातिल लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने मिलके बदनामी फैलाई थी, अवाम ने नहीं। और अवाम में जब हिम्मत आई गांधी की शहादत के बाद, तो दंगे रुक नहीं गए और हमेशा के लिए रुक गए। तो हिंदुस्तान की जो और पाकिस्तान की भी जो अवाम है, वो प्रेजुडिसेस की उतनी नफरत के से आजाद है। आज भी हमारे मुल्क में जो बदमनी का मंजर हमें नजर आता है कि नफरत बहुत भड़क गई। मैं मानता हूं कि आप जमीन से नीचे जाके देखो तो वो है नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2013 की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी मुजफ्फरनगर के इलाके में फसाद हुआ। जिस दिन फसाद हुआ बड़े पैमाने पे, उस दिन में और हमारे साथ आरिश, वो जामिया में मास्टर्स कर रहे थे मैथमेटिक्स में, हम दोनों मुजफ्फरनगर जा ही रहे थे, लेकिन बसें वगैरह रुक गई तो जाने नहीं दिया गया। तो
वरना उस गांव में भी हिंसा होती, क्योंकि लोगों की दिमाग में बहुत आंखों में खून था। खैर मैं वहां से लौट के आया दिल्ली, तो मेरे लिए थोड़ी बेचैनी सी हुई। तो मैं दो दिन के बाद कि मैं मालूम तो कर लूं कि जिस बात को फैला के कि भाई जौली में मुसलमानों ने हिंदुओं के काफिले पर गोली चला दी थी और उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे, ऐसा हल्ला फैल गया था, तो उसी का बहाना बना के अगले दिन वायलेंस की गई। तो मैंने कहा मैं देख तो आऊं जौली में हुआ क्या। तो मैं दिल्ली से जौली जा रहा था, जाना था, तो मैं ट्रेन से उतरा जा रहा था, तो उस वक्त तो चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ था तो कोई टेम्पो वगैरह नहीं मिला, दिन में दो चार घंटे के लिए बीच में एक आध किलोमीटर के लिए किसी की राइड मिल गई, तो किसी ने मुझे राइड भी दे दी और चला गया। फिर उसने उतार दिया, तो फिर मैं आगे पैदल जरा। रास्ते में जाते जाते मुझे एक बुजुर्ग मुसलमान नजर आए, अपने हाथ में छोटा सा एक गाय वाय हांकने वाला जो डंडा होता है वो लिए थे, और करीब 30-40 छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे थे उनके साथ थे, बड़ी बेफिक्री उनमें, इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ। तो मैंने आदाब किया उनको, हमने कहा आज आप पढ़ाते हो बच्चों को? बोले हाँ। कितने बच्चे हैं? हमारे मदरसे में 40 बच्चे हैं। तो हमने कहा इस इलाके में वायलेंस है क्या? बोले नहीं, तो हमारे यहाँ तो नहीं। तो हमने कहा आपका मुसलमानों का गांव है क्या? नहीं नहीं। सुकून से, कॉन्फिडेंस से, उनको अपने पड़ोसी में कॉन्फिडेंस था, ये नहीं खौफ था कि ये हिंदू तो मार खाएगा। मैं दंग रह गया, मेरा बिल्कुल जो परसेप्शन था, जो मेरी फिक्र थी, वो मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा मैं इस हिंदुस्तान में हूं जहां पे ऐसा मौलवी है। फिर मैं जब जौली पहुंचा, घटना ये घटी थी कि कवाल करके नाम पर का एक गांव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कवाल गांव में मुसलमान आबादी भी है और हिंदू आबादी भी है। तो वहां से कोई लड़की स्कूल से गुजर रही थी, तो किसी लड़के ने उस पर कोई कमेंट पास कर दिया, वो लड़की अपने घर के घर आया, उस लड़के का माता पिता के सामने कत्ल कर दिया, मर गया वो। तो लोगों ने उन लोगों पे हमला कर दिया, तो बाकी लोग तो भाग गए, दो लोग मर गए, वो लड़का मर गया, लड़की का भाई मर गया और एक और लड़का मर गया। वो जाट थे लड़के और ये लड़का मुसलमान था। घटना तो यहां से शुरू हुई। अब लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों ने, दो लड़कों ने मारा। बाद में पुलिस ने उनको, यूपी की सरकार ने उनको छोड़वा दिया कि भाई अगर ना छोड़वाते तो, ये मैं मानता हूँ गलती हो गई, सरकार से गलती हुई, ना छोड़वाते तो चीज दब जाती और जाट पंचायत हुई, बड़ी भारी पंचायत हुई, हजारों लोग शरीक हुए और बहुत जहर उगला गया। ट्रैक्टरों से लोग गए और ट्रैक्टरों से लौट रहे थे। जब वो लौट रहे थे तो जौली एक गांव है जहां पर गंगा की नहर दो हिस्सों में बंटती है, एक मोदी नगर जाती है, कहीं और जाती है। उस मुहाने पे किसी ने गोली चला दी ट्रैक्टरों पर, तो उसमें करीब 7 लोग मरे। जब मैं अगले दिन वहां पहुंचा तो एक पुलिस इंस्पेक्टर मरा है, बताया करीब 10 लोग मरे हैं। वो कोई शर्मा था पुलिस इंस्पेक्टर, उसने कहा कि 10 लोग मरे हैं, लेकिन आज की जो वायलेंस चल रही है उसमें ज्यादातर मुसलमान मर रहे हैं, ऐसा उसने मुझे बताया। लेकिन दंगाइयों ने पूरे इलाके में हल्ला फैला के इलाके में मर गए। तो जब मैं जौली पहुंचा तो पुलिस वाले नहर से एक ट्रैक्टर को बाहर निकाल रहे थे, उनसे मैंने बातचीत की कि कितने लोग मरे हिंसा में। उन्होंने कहा साहब 5 या 6 की लाशें मिली। तो
तमाम और लोगों से पूछा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि 10 से ज्यादा लोग मरे हैं। पूरे रास्ते में 17 किलोमीटर के रास्ते में किसी ने नहीं कहा कि 17 से ज्यादा मरे हैं। एक सरदार जी भी मिले और तमाम लोग मिले, किसी ने नहीं कहा। जब जौली गांव पहुंचा तो वहां पर वो सैयदों का गांव है। सैयद माने जो शिया मुसलमान होते हैं उनको वह सैयद कहते हैं। और इतनी एक जैती वहां पे जाटों में और इनमें को वहां का तो कुछ था ही नहीं। वो पड़ोस के गांव के कुछ लोगों ने मुसलमानों ने गोली चला दी। उनसे मिलने गया, उनने कहा आप जाटों से और मिल लो। तो मैं एक राजपाल जाट थे उनके घर गया, वहां तमाम भीड़ थी। वो बड़ा सेकुलर आदमी, हमने कहा कि आपके हिसाब से कितने लोग मरे? पुलिस वाले तो कहते हैं 6-7 लाश से मिली। उनने कहा कि 3 मुसलमान भी मरे और जगह बताई कि कहां मरे। पर जमीन के स्तर पर लोगों में एक दूसरे की जात के को से अलग करके इंसान को टोटलिटी में देखने की सलाहियत जिंदा है। इसलिए उस दौरान भी मैंने महसूस कर लिया कि हिंदुस्तान भले ही हमारी पिछले 7-8 साल की जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए या समाज में जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया उससे खौफ पैदा हुआ है, लेकिन अभी भी जमीन के नीचे हिंदुस्तान जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि जुलाहे का दर्द किसान पहचानता है, किसान का दर्द जुलाहा पहचानता है। हिंदुस्तान के 90% आवाम मेहनत मजदूरी करके, किसानी करके ईमान की रोटी खाते हैं। दिल की बात जो हो वो जुबान से बोलो, एक दूसरे की मदद करो और ईमान की रोटी खाओ। इस पैमाने पर हिंदुस्तान के 90% आवाम खरे हैं, इलीट क्लास को छोड़ो, उसमें तादाद ऐसे लोगों की कम है। और ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वगैरह का हो कोशिश की जाती है वो इसलिए चल रही है। अब मैं आखिर में अपनी आज की गुलामी को, मैंने चूंकि बात रखी थी कि फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस एंड ये बॉन्डेज, इसमें हमें बात रखनी है। बॉन्डेज हमारी पूरी खत्म नहीं हुई। बॉन्डेज के माने होते हैं गुलामी। एक तो एक हमें खौफ से आजादी थी जो हमने 1919 के आंदोलनों के बाद हासिल तो कर ली, लेकिन आज हम फिर उस गिरफ्त में फंस गए। आज हमारे समाज में खौफ है, अकेले माइनॉरिटीज को नहीं। कोई भी आदमी सच्ची बात कहेगा तो देर आपका माइक म्यूट है सर। क्या मैं बोल सकता हूँ? त्रिपाठी सर, जल्दी से, आपका माइक म्यूट हो गया एक बार। आरिफ भाई क्या मेरा टर्न आ गया? अभी त्रिपाठी सर कंप्लीट कर ले उसके बाद आपको। एक्चुअली इतनी देर से म्यूट था माइक, ये भी हुआ मेरे अभी भी हुआ। पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। कोई बात। खैर, मैं ये कहना चाहता था कि हमने आजादी के 4 मकसद रखे थे। पहला मकसद था खौफ से आजादी, दूसरा मकसद था आर्थिक शोषण से आजादी, तीसरा मकसद था इनिक्विटी गैर बराबरी से आजादी, और चौथा मकसद था पॉलिटिकल फ्रीडम। टिकना हो या दूसरे मुल्क की इकोनॉमी को का गुलाम बनाने वाला ना हो। 1947 में हमने पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली,
इस सेंस में इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल कर ली कि हमारी इकोनॉमी किसी दूसरे मुल्क की सब सर्वियंट नहीं रह गई, खौफ से भी हमने आजादी हासिल कर ली, और चौथी आजादी छुआछूत है उस पर थोड़ी काबू पाया, जो हमारे मंदिर और तालीमी इदारे से सबके लिए खुल गए, इस तरीके से हमने थोड़ी सी तरक्की उस दिशा में भी हासिल की। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ हमने भुखमरी पे आजादी पा लिया, अकाल नहीं पड़े हमारे मुल्क में, इस तरीके से तो हुआ। लेकिन 1990 आते आते हमारे मुल्क में नई आर्थिक नीति आई, तालीम का दायरा भी फैल गया, लेकिन जो ज्यादातर स्कूल कॉलेज खुले वो प्राइवेट सेक्टर में खुले, खासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज, ये ज्यादातर प्राइवेट खुले। प्राइवेट कॉलेज उसकी फीस ज्यादा होती है, लिहाजा एजुकेशन की एक्सेस सबको नहीं हो सकती बराबर, ये एक मसला खड़ा हुआ। एक चीज गलत हो गई, वो गलत ये हुई कि हमारे मुल्क में मीडिया पर कॉरपोरेट ने कंट्रोल कर लिया, और बदकिस्मती ये हुई कि चूंकि इसकी जहनियत माहौल पैदा किया, मीडिया में इस तरीके के प्रोग्राम दिखाए गए, न्यूज को इस तरीके से टिल्ट किया गया कि हमारी प्रेजुडिसेस बढ़ने लगी। तो मीडिया जो कि हमारे लिए सही खबर देने का एक साधन था, वो प्रेजुडिसेस बढ़ाने का, नफरत भड़काने का साधन बन गया, और उस पर कब्जा हो गया एक उस क्लास का जिसका खास इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। तो दो ही काम मीडिया के हैं, ये इलीट क्लास की इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर कहीं हमला ना हो जाए, तो मजदूर और किसान इकट्ठे ना हो जाएं, कहीं अपने हितों को आगे ना रखने लग जाएं, को तोड़ के रखो ताकि इनको खड़े होने का मौका ना मिले, और इनका दिमाग, इनकी जो जमीन है, इतना मार दो, इनकी रूह को मार दो कि ये विद्रोह कर ही ना सके। तो दो नुकसान हो रहे हैं कि समाज में जो पोलराइजेशन पैदा हो रहा है, तो जिस कम्युनिटी को हम टारगेट बनाते हैं उसमें तो खौफ पैदा होता है, लेकिन जो कम्युनिटी के जरिए हम अपनी पॉलिटिकल पावर हासिल करते हैं उस कम्युनिटी को भी हम मिट्टी में मिलाते हैं, क्योंकि आम आदमी की ताकत दौलत नहीं है, ना तोपे हैं, ना हुकूमत है, उसकी ताकत है उसकी रूह। आंख पे डाल दिए, पड़ोसी को पड़ोसी से दूर कर दिया, तो उसकी कोई वजूद बचेगा नहीं, और इसका असर उसकी आर्थिक जिंदगी पे, तालीमी जिंदगी पे भी पड़ेगा। नतीजा ये है कि आज हमारा मुल्क प्रेजुडिसेस का शिकार होके अपनी रूहानी ताकत को घटा रहा है, इसलिए हमें हमारी हुकूमत जनमुखी हो, पीपल सेंट्रिक हो, इलीट सेंट्रिक नहीं, आज तो वो कॉर्पोरेट सेंट्रिक है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इसके लिए काम करेंगे हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हालांकि काफी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग पर बंदिश लग गई है तमाम कैंपसेस में, वो आजादी नहीं है जो आज से 20 साल या 30 साल पहले थी, लेकिन फिर भी अभी स्टूडेंट खुल के देखने की तादाद ऐसे विद्यार्थियों की ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लिहाजा और शिक्षकों में भी अभी इस बात का एहसास है, जब आप स्कूल कॉलेज में आ गए कि आप शिक्षक हो, हिंदू या मुसलमान नहीं हो। वैसे भी हिंदू मुसलमान तो कोई नहीं, ये तो हमारी शरीर पर लगे एक लेबल है, हम सब मुकम्मल इंसान, हमें कुरान शरीफ इंसान बनाने के लिए आई, रामायण गीता वेद इंसान बनाने के लिए आए, बाइबल इंसान बनाने के लिए आई, असली चीज है इंसान,
मुकम्मल एंटिटी है इंसान अल्लाह ताला की पूरी कायनात में, हर एक का के अंदर रूह है, हर एक के अंदर ना हो तो आप पूरी दुनिया के हो, पूरी दुनिया आपकी है। इतना बड़ा इंसान को बनाया मालिक ने तो पूरी दुनिया से जुड़ जाए। गांधी जी का जब खून हुआ तो अकेले हिंदू नहीं रोए, मुसलमान नहीं रोए, पूरी दुनिया के लोग रोए। खबर आती है कि अफ्रीका में जिन्हें गांधी को देखा नहीं था वो रोया, एंड सो ऑन, क्योंकि गांधी सबको चाहते थे, गांधी को सब चाहते थे, और गांधी कोई खास अलग से चीज नहीं थी, हम और आप सब गांधी ही है। बसरते कि हमारे अंदर से ये ओछापन निकल जाए, ये प्रेजुडिसेस निकल जाए, तो हम सारे के सारे, हमारे अंदर तो मोहब्बत का समंदर है, हमें हमने जबरदस्ती रोक के रखा हुआ उस। की बेड़िया, एंड वी आर लिबरेटेड सोल। लिबरेटेड सोल फिर हुकूमत को पीपुल सेंट्रिक बना देगी, जो आज शोषण का देश के जो संसाधन है उन संसाधनों का इस्तेमाल मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए हो रहा है। होना तो चाहिए कि हम ऐसी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं जो सबको रोजगार दे, सबको काम दे। इस लिहाज से हमें काम करने की जरूरत है। तो आप लोगों से बोलने का मुझे मौका लगा, बेहद खुशी हुई, और इस वक्त मेरे लिए लगभग 8 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी बात बंद। चीज खत्म हो जाएगी तो अगर मौका देंगी तो एक छोटी सी गजल भी गाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मैं कहने वाली थी गजल जरूर सुनेंगे सर हम। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी बातों ने बहुत कुछ, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। YouTube में आपके लेक्चर्स और टीवी में आपके इंटरव्यूज देखने के बाद आपको यूं रूबरू देखना बहुत खुशनसीब की बात है। वेरी शॉकर। गजल अभी सुनाऊं या बाद में सुनाऊं? जैसे आप चाहे अभी सुना दें। कुछ सवाल है हफ्जा? सवाल है अगर आप इजाजत दें तो। जी जी रईसा, पहले आप ही बोल लीजिए। वाकई में इस वक्त बहुत ज़रूरत है इन हालात को कंट्रोल करने की और सुधारने की, वो ज़िम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है कहीं ना कहीं। बट जो आजकल देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं उन बच्चों से जो सोसाइटी में जाएंगे सर्व करेंगे, जेएनयू में हमने देखा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने देखा, इस लेवल पर और जेएनयू में हमने देखा, जब यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है, सर इन चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? क्योंकि वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम एजुकेशन दे भी रहे हैं, और एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम समाज को बदल सकते हैं, बट वो कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है सर, जिसको लेके बहुत तकलीफ होती है। कंट्रोल किया जा सकता है सर? ये आपने बहुत गंभीर मसला उठाया। मैं कुछ दिन पहले जेएनयू हो गया था। जी सर। करीब हो गया 1 महीना। तो जेएनयू में मैं अपने पर्चे बांट रहा था, ये नवरात्रि और रमजान चूंकि ओवरलैप कर गए थे इस बार, तो उसी पे मैंने फ्लायर निकाला था, पर्चा बांट रहा था। जितनी मोहब्बत से लोगों ने मेरे पर्चे को पढ़ा, तो मुझे वो मंजर याद आया कि यहाँ पर कैंपस में कुछ लोग घुसाए थे और मारपीट की थी, और वो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की शह पे आए थे, तो वो भी मैंने दौर देखा। और सर जाता हूँ मैं जामिया में, वो भी जिंदा है। मैं महसूस करता हूँ कि ये जो दौर है जिसमें कि हमारे ऊपर ऐसे लोग थोप दिए गए कि खुली आवाज के बोलने की पे अंकुश लग गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये दौर खत्म होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का दायरा अकेला, टीचर्स का दायरा अकेला यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, पूरा समाज है जी।
मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी और टीचर्स जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में लोगों के अंदर से ये नफरत निकालने की कोशिश करें। अब मैं हम छोटी मीटी मीटिंग करता हूँ, करूंगा, मिलूंगा, लेकिन हर आदमी का एक क्लास करेक्टर होता है कि अगर वो इलीट क्लास का है तो सुनेगा कम, और गरीब तबके का है, कारीगर मजदूर तबके का है तो आपकी बात आसानी से सुन लेगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग कारीगर मजदूर तबके में ही अपनी बात रखने की कोशिश करें, इलीट क्लास का नहीं, उसको ना करें। तो मेरे ख्याल समझता हूँ कि हम अवाम को अवाम से जोड़ने की जो कोशिश करें, उसमें से एक मिसाल मैं शाहीनबाग के आंदोलन की देता हूँ। शाहीनबाग की बेटियों ने जो आंदोलन खड़ा किया था, 100 दिन चला वो आंदोलन, अकेले दिल्ली में नहीं, शाहीनबाग तो नाम है उसका, वो पूरे मुल्क में चला और लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तमाम हिंदू लड़कियां वकील थी, टीचर्स थी, स्टूडेंट्स थी, वो भी घूमती थी जी। तो वो आंदोलन मुस्लिम लड़कियों का ही आंदोलन नहीं था, उनका लीड लिया उन्होंने, लेकिन उसमें हिंदुस्तान की तमाम लड़के शरीक हुए। उस तरीके क्या, उसी तरीके के किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जब चला वो एक बरस चला और उसके लिए बहुत ताकत मिली शाहीनबाग आंदोलन से। तो मैं कहता हूँ कि उस किसान आंदोलन ने भी गलत फहमियों को काफी तोड़ा और उसमें भी बड़ी भागीदारी विद्यार्थियों की रही जी। गाजीपुर बॉर्डर में मैं जाता था, मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी उसको तोड़ के हमारे हिंदुस्तान की जो असली रिवायत है इंसानियत की, उसको मजबूत करें, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you very much, sir, for this informative session. It was undoubtedly brilliant. मैं सभी तलबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत तवज्जो के साथ सर का लेक्चर सुना। चैट बॉक्स में आते हुए लगातार सवालात को देख के मालूम हो रहा है कि हमारी ऑडियंस इस सेशन को काफी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब मजीद वक्त न जाया करते हुए सर, मैं चाहूंगी आप हमारी बेताब ऑडियंस के चंद सवालात के जवाब फराहम करें। पहला सवाल मुझे Is this nationalism vibe we have today is a seed planted by Britishers which has now taken an ugly shape? कह तो सकते हैं क्योंकि seed किसने plant किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस जिस किस्म का ये राष्ट्रवाद के नाम पर, जिसको नाम राष्ट्रवाद दे दिया गया, वो plant British का ही, imperialism का ही planted है। सर अगला क्वेश्चन मिस सौलिया सेक्शन ए का है। सर अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया कैप्चर नहीं किया होता तो प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया की कंडीशन कैसी होती, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली? ये सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता क्योंकि हिंदुस्तान एक टॉप नॉच इकोनॉमी थी, लेकिन एक चीज में हम पिछड़ रहे थे और पिछड़ रहे थे इस बात में कि हमारे यहाँ पे साइंस और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी उस पर हमने काम किया नहीं। मतलब वो मुल्क जो कपड़े के कारोबार में नंबर वन था, वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुई क्योंकि वो सारा का सारा असल में यूनिवर्सिटी बनी इंग्लैंड में कई सौ साल पहले। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वगैरह बन रही थी और उनका फोकस रिसर्च पे था। तो वो जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने एकदम छलांग लंबी लगी, मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई। न्यूटन वाज ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न साइंस का असर हुआ। अब अगर न्यूटन ना होते, हिंदुस्तान में कोई न्यूटन पैदा हो जाता, अब्दुल सलाम पैदा हो जाता या सी वी रमन उस जमाने में आ जाता, तो
in spreading imperialism, in enslaving poor countries, and later on science also played a positive role in countering imperialism and propagating independence. वो दोनों ही रोल किए साइंस ने, लेकिन शुरुआत का जो दौर था जिसको हमने झेला 100-150 साल वो टेरेबल था. इसलिए सवाल का जवाब दे नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत सिंह का है. Hatred has blinded a section of society. How to help those who are in this condition and make society more inclusive? अभी कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेके एक और वो आयतें घुमा रहे हैं, तो मुझे किसी ने वो भेज दी. मैंने उसका जवाब लिखा. मेरा मोटे तौर पे कहना ये था कि कुरान शरीफ के और गीता बाइबल सब के जो एक होता है सेंट्रल थीम और एक होता है सेकेंडरी थीम. प्राइमरी थीम आपने जब हासिल कर लिया तब सेकेंडरी थीम पर आप गौर करो और उसको भी विद कंटेस्ट गौर करो. तो वो बात जब मैंने लिखी तो किसी को, ज्यादातर लोगों को तो ठीक लगी, लेकिन जो हार्डकोर प्रेजुडिस्ट थे उनको लगा कि ये तो स्यूडो सेकुलरिस्ट है, ये गाली पर के हम लोग लगभग 1% पॉपुलेशन होगी जो हार्डली प्रेजुडिस्ट है, लेकिन 99% आदमी प्रेजुडिस्ट तो नहीं है, लेकिन वोट इनको डालाएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट कर देगा. हमारे लिए करना ये है कि इन लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना बढ़े, इस पे ज्यादा गौर करें रादर देन कि इनको हम जहनी तौर पे सुधार लेंगे. अब जैसे वो मैं बात उठी थी वहां से हरिद्वार से नरसंहार की, तो मैं चला गया हरिद्वार. ज़हनियत के नहीं है ताकि एक माहौल तो ऐसा बने कि भाई ये एक फ्रिंज है उपद्रवियों की, टेररिज करने वालों की, आवाम ऐसे नहीं है या आम साधु ऐसे नहीं है. हमारी कोशिश वही रहनी चाहिए और जिन कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर किसी किस्म का खौफ न पनपने दें. हमें सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ हो, उसके अलावा किसी का नहीं. इस धरती पर किसी की शख्सियत इतनी बड़ी नहीं है जितना के एक सच्चे इंसान का वजूद. नफरत नहीं है, वो बहुत बड़ा शख्स है, उसके अंदर रूहानी ताकत इनकी कातिलों की नफरत वाली ताकत से, इनकी हिंसक ताकत से बहुत बड़ी है. मर जाएंगे हम 10-50 लोग, इट्स ऑल राइट, वी हैव टू सैक्रिफाइस अवर लाइव्स, बट हम शक्ल बदलेंगे हिंदुस्तान की, यही तरीका है. मेरा सेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरी मीटिंग है रईसा साहब के साथ. ओके सर, लास्ट क्वेश्चन. या लास्ट क्वेश्चन, फिर सर अपनी ये गजल सुनाएंगे उसके बाद. या I feel that it's not only Britishers to blame, but rather we divided ourselves and blaming Britishers ever since then. Don't you think, sir? आज हम जो जिंदा हैं, हमारे दिमाग में जो जहर भरा हुआ है या भर रहा है, उसके लिए जिम्मेवार हम खुद ही हैं. भाई, are we allowing poison to enter our brains and stay there? ये तो ये बात इस बच्चे ने सही कही कि हम अंग्रेजों को कब तक धोखा देंगे या ब्लेम करेंगे कि साहब आपने हमारा दिमाग खराब कर दिया. अरे वो तो शुरुआत की उस वक्त, और अब तो हमें 70 साल आजादी के हो गए. अगर हमारे दिमाग में अभी नफरत चल रही है तो हमारे अम्मी अब्बा का दोष है, हमारा दोष है, और हम जिंदा उसको रखे बैठे हैं तो हमारा ही कसूर है. एग्री विद, टोटली एग्री. जी, वो गजल सुना.
very lucky to have you here. I would also like to thank the audience for asking such thought-provoking questions. Sir, aap please apni ghazal suna dein. संसार को ऐसे भी हिलाया जाए, चलो संसार को ऐसे भी हिलाया जाए, चलो संसार को ऐसे भी हिलाया जाए, जुनू के दौर में सच बात को कहा जाए, नफरतों और तशद्दुद का माजरा क्या है, दिलों में प्यार का तूफान उठाया जाए, दिलों में प्यार का तूफान उठाया जाए, गरज नहीं है कि तारों को तोड़ कर, लाए जो अपने पास है मिल बांट के खाया जाए, जो अपने पास है मिल बांट के खाया जाए, डरा रहे हैं जला देंगे आशियां मेरा, डरा रहे हैं जला देंगे आशियां मेरा, जाए ये घर उन्हीं का है ये उनको बताया जाए, आखिरी शेर है, दर्दमंदी से बड़ा धर्म नहीं दुनिया में, दर्दमंदी से बड़ा धर्म नहीं दुनिया में, दिलों में दर्द का एहसास जगाया जाए, दिलों थैंक यू वेरी मच सर, यू इंडीड ब्लेस्ड आवर इयर्स, आपने बहुत खूबसूरत और सुरीली गजल सुनाई, काइंड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे मौका दिया, आजकल ऐसे मौके मुद्दस मुश्किल से मिलते हैं, और आप लोगों ने मोहब्बत दी अपनी, मालिक आपको लंबी उम्र दे, बहुत बहुत शुक्रिया, हम खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे बीच आते हैं, जब तक हम रहेंगे हम आपको बुलाते रहेंगे सर, बच्चों के लिए इतनी प्यारी बातें करने के लिए, अब मैं मेनाज मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेनाज मैम आप प्लीज, नाउ आई एम प्रोफ्यूसली Professor Mehnaz Ansari from the Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education, Jamia Millia Islamia. Professor Mehnaz Ansari has marvelously established herself as a well-known expert of teaching and research, and she has a profound experience of administration and evaluation. She has participated in many international conferences and talks on different topics. So, without consuming any time, I kindly request ma'am to grace this event and offer a heartfelt gratitude to Professor Vipin Kumar Tripathi.
Thank you, Afreen. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. I feel honored to be thanking you now for your lecture. बहुत आपने जो डिस्कोर्स हमारे बच्चों के साथ किया है I'm very happy to tell you that they all will be teachers, सब teachers बनेंगे और आपकी जो ये सीख है उसको वो थोड़ा सा हम सर के बारे में आप लोगों को और भी बताना चाहेंगे He is commonly known as pamphlet man. सर अभी बता रहे थे कि JNU में वो pamphlets उन्होंने flyers बांटे थे तो he is known as pamphlet man और एक सिर्फ एक उनका मकसद है to spread the message of peace. Peace के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है against communalism है लोगों को अवेयर कराना है कि बेसिक जरूरतें जो है इश्यूज हैं एजुकेशन से रिलेटेड पीस से रिलेटेड हार्मनी से रिलेटेड इसके ऊपर और शायद जो बात सर अभी कह रहे थे सकते हैं तो जब हम इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो हमें मिलजुल कर रहने वाली सोसाइटी बनानी है तो नेचर के साथ अनर्थ करना बंद करो लोगों के साथ मिलजुल कर रहो और जो ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्रेजुडिस का उससे दूर रहो और ये बच्चे जो टीचर्स बनेंगे आई अश्योर यू सर कि दे विल बी विदाउट प्रेजुडिसेस देमसेल्व्स एंड दे विल हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू बी ट्रू डेमोक्रेटिक सिटीजंस एंड मेक अ गुड इंडियन सोसाइटी Thank you very much, sir, for this insightful discourse with our students. Thank you very much, ma'am, for providing your gracious presence to, and to enhance our knowledge. Thank you very much. Nazreen. मैं डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी सर को दावत देना चाहूंगी जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिया एनएसएस टीम के प्रोग्राम के एक एक्टिव ऑफिसर सर प्लीज आइए और एनएसएस एक्टिविटीज पे मुख्तसर रोशनी डालिए थैंक यू वेरी मच आपके मैं माजरा चाहता हूँ कि मुझे पहले बोलना था लेकिन दो तीन बार नेट हमारा साथ नहीं देता है और कभी कभी कनेक्टिविटी की वजह से हम लोग सही से हम लोग उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कोविड नहीं खत्म होगा जैसे HIV एड्स नहीं खत्म हुआ है वैसे ही कोविड के साथ भी हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी तो मैं हमारे वहाँ पर मौजूद जो भी हमारे वहाँ पे रूरी मैम है हमारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं डीन सर हैं और आरिफ सर हैं मैं सभी से माजरा चाहता हूँ लेट ज्वाइन करने के लिए और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने ऑनलाइन इसे ज्वाइन कर रखा है मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ NSS में की फैमिली में एंटर करने के लिए क्योंकि NSS एक परिवार है और परिवार में माफ़ी मांगना या परिवार में कोई ईगो नहीं होती परिवार में हम लोग माफ़ी मांगते हैं जो हमसे गलती हो जाती है और अपने दिल की फीलिंग शेयर कर देते हैं ये सब लोग ये सारे वॉलंटियर्स हैं जो योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे और 13 तारीख का एक इवेंट है जिसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे हमारी NSS ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो मैं इन्हें भी ये भी फ्रेशर्स हैं और इनका भी ओरिएंटेशन चल रहा है NSS ज्वाइन करने के जो बच्चे हैं आपके यहाँ पे आप होने वाले टीचर हैं में बात करेंगे मैं NSS के वॉलंटियरिज्म के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने अपना सर्विस एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया था NSS जामिया में
और मैंने अपनी लाइफ के नियर अबाउट 27 इयर्स एनएसएस को दे दिए। जो गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का वो एनएसएस में चला गया। और रूही बाजी, आरिफ, ये सब मेरे बारे में सब जानते हैं। और नाहिद बाजी जो आपकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हमारी प्रोग्राम ऑफिसर हैं। रूही मैम हमारी प्रोग्राम ऑफिसर हैं। हमारे यहाँ 45 यूनिट्स हैं जामिया में। एक यूनिट में 100 बच्चे होते हैं। 4500 बच्चे जामिया में एनएसएस वॉलंटियर हैं। और एनएसएस जामिया का नाम किसी को भी दिल्ली में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमारे एनएसएस को वो कॉल करता है और उनकी अब मदद हो जाती है। हम लोग ट्री प्लांटेशन पे काम करते हैं, हम योगा पे काम करते हैं, हमारा एचआईवी पे, विजिलेंस अवेयरनेस वीक पे और स्वच्छ भारत अभियान पे। अभी जैसे हम लोग जो हमारी एंकर हैं वो बता रही थी कि अभी हम लोगों की रैंकिंग हमें नेक में A++ मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है, जिसमें हम लोगों ने सोलर पैनल, सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटेशन पे हम लोग साउथ ईस्ट है, जिसका फंक्शन हम लोग 13 तारीख में शाम 5 बजे CIT में करने जा रहे हैं, जो VC मैम उस अवार्ड को रिसीव करेंगी। तो रूही मैम और आरिफ सर आप लोग भी इनवाइटेड हैं उस प्रोग्राम में। मैं उसी प्रोग्राम की तैयारी के लिए ये हमारी मीटिंग चल रही है। अभी हम लोगों का वन डे कैंप्स होता है और डे नाइट कैंप होते हैं। वन डे कैंप को हम लोग नॉर्मली ट्री प्लांटेशन, कोई अवेयरनेस रैली या कोई भी सोशल डे सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं। दूसरा हमारा होता है स्पेशल कैंप, जो कैंप होता है हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग होता है, जिसमें आप पूरा एंजॉय करते हैं। जो मैंने आपको शुरू में रूही मैम ने आपको फिल्म दिखाई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि आपके सीनियर ने एनएसएस में क्या क्या किया है। प्लस फिर होता है हमारा NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे बच्चे हमारी जामिया से बाहर जाते हैं और हम लोगों ने जामिया में भी कम से कम काफी NIC कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। ये 2018 में हमने ऑर्गेनाइज किया है, 2017 में ऑर्गेनाइज किया है। तो ये हमारे, और प्लस उसके बाद आते हैं हमारे एडवेंचर कैंप होते हैं। जैसे अभी समर चल रहा है तो हमारा मेगा समर कैंप लगता है, जो हमारा राजस्थान वगैरह में लगेगा, केरला में लगेगा, जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी से बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज 5 गर्ल्स और उनके साथ अगर लेडीज लड़कियां जा रही हैं तो एक लेडी टीचर उनके साथ जाएंगी और एक जेंट्स मेल प्रोग्राम ऑफिसर। प्लस फिर होता है हमारे प्री RD कैंप, जो 26 जनवरी की परेड होती है और उसमें जो राजपथ पे जो वॉलंटियर रन करते हैं, जो उस पर पद मार्च करते हैं, उनकी तैयारी के लिए प्री RD कैंप होता है, जिसमें हम लोग RD कैंप के लिए सिलेक्शन करते हैं। और हर साल हमारी यूनिवर्सिटी से एक या दो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उस प्रोग्राम के लिए। तो ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है। हम लोगों ने जामिया में 2 RD कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। 2011-2012 में हम लोगों ने जो हमारा फाइन आर्ट्स में कैंपिंग ग्राउंड है, जहाँ पे हमारी NCC ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट टाइम पे, वहाँ पे हमारे कैंप्स लगते हैं। जो हम लोगों ने वहाँ पे 2 NIC ऑर्गेनाइज किए हैं, 2 RD कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, स्कूल में हमारे RD कैंप्स NIC कैंप्स लगे हैं। तो ये हमारा, उसके बाद होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग करते हैं। नेशनल लेवल पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया से कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज में आ जाती है, प्लस हमारे वॉलंटियर डिफरेंट कॉलेज में जाते हैं, वो हमारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। हमारे यहाँ से अब से 2 साल पहले हमारे 2 वॉलंटियर चाइना गए थे, जिसमें सना जमाल और उमर अहमद गए थे। जो एक सना जो थी वो हिस्ट्री से थी और उमर जो हमारे एक वॉलंटियर थे जो चाइना गए थे, जिन्हें मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि मुझे जाने का मौका था लेकिन मेरा जॉब का इंटरव्यू था, मैंने उन्हें अपनी जगह भेजा था चाइना। तुम क्या कह रहे थे? और नहीं, शमशाद हमारे यहाँ से नहीं गए। और RD कैंप में हमारे यहाँ से काफी वॉलंटियर हैं जो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अभी हमारे जो ये मीटिंग चल रही है, यहाँ पे
शीबा बैठी हुई है, ये आरडी कैंप में जा चुकी हैं और दूसरे वॉलंटियर्स भी हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो आरडी कैंप कर चुके हैं। आरडी कैंप में सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिंपल है, आपकी हाइट 5'5" गर्ल्स के लिए और 5'7" बॉयज के लिए हो। चेंज हुआ है और आपका वजन आपका होना ऐसा होना चाहिए मिनिमम 55, जिससे कि आप लोग आराम से एक महीने की दौड़ भाग आराम से कर लें, क्योंकि एक महीने तक आपको परेड करनी है। इस गर्मी में भी कैंप लगते हैं, अब प्रियॉरिटी कैंप आप लगेंगे तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो होता है, हम लोग स्वच्छ भारत अभियान को भी सेलिब्रेट करते हैं। जामिया में फाउंडेशन डे होता है, यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे में हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, हमारे DSW टीम में जो वॉलंटियर्स होते हैं उसमें काम करते हैं, प्लस एनुअल कन्वोकेशन पे हमारे बच्चे काम करते हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ट्री प्लांटेशन कैंप करते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हम लोगों के काम होता है। अभी 21 जून आ रहा है जिसमें योगा डे हम सेलिब्रेट करेंगे। आप जो वॉलंटियर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ऑनलाइन, अगर कल आप 5:45 पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं, कल हमारा NSS और NCC के बच्चे योगा डे के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिजिकली वहाँ पर योगा करेंगे। आप लोग इन्वाइटेड हैं, जो लोग लोकल रहते हैं वो लोग 5:45 पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। लोअर जीन्स टी शर्ट में आप आ सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के आ सकते हैं और टीचर भी आ सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलता है। हम हर प्रोग्राम के साथ कश्मीर टू दिल्ली, शिमला टू दिल्ली, बाघा बॉर्डर टू दिल्ली और पुष्कर टू दिल्ली, दिल्ली टू हरियाणा, जो हमारा ये जिसमें हम लोग डिफरेंट सोशल थीम के ऊपर हमारी साइकिल रैली हुई है, ये हमारी सोशल इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम जामिया में करते आए। अब हमारा जो एजुकेशन फैकल्टी का NSS ग्रुप है काफ़ी एक्टिव है, 6 यूनिट्स हैं वहाँ पर और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर बहुत एक्टिव हैं। और क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टाइम में बताना है और NSS कभी ऑनलाइन नहीं, भी बात करते हैं वो ग्राउंड में करते हैं। NSS फिजिकली नजर आना चाहिए, विजिबल नजर आना चाहिए। हमारे यहाँ पे कुछ अवार्ड होते हैं, इंदिरा गांधी अवार्ड होता है, जो वॉलंटियर्स पूरे साल काम करते हैं वो, और उनके उनके बारे में पेपर्स में छपता है, हमारी रिकमेंडेशन से उनका नाम मिनिस्ट्री में जाता है, उन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड यूथ अवार्ड के लिए उनका नाम जाता है। आरडी कैंप्स में सिलेक्शन होता है, वो जामिया पहले जामिया करती है, उसके बाद में कम्युनिटी लेवल पे होता है। कम्युनिटी में हम लोगों ने 5 कम्युनिटी ऑप्ट कर रखी हैं, बटलाउस में जो स्लम एरियाज है, जोगाबाई, जाकिर नगर, तैमून नगर, इधर मदनपुर खादर और वहाँ पे टीकाकरण और जो भी इलेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जो भी, जैसे अभी कोविड के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। कोविड के टाइम पे हमारे वॉलंटियर ने कम्युनिटी जाके वियर द मास्क, सैनिटाइजर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वो चीज़ें हैं जो NSS वॉलंटियर करता है। और NSS का जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, इसका मतलब है आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जिए तो उसके जीने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि इंसान में और जानवर में ये फर्क होता है। अरे भी सोचेंगे जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जो आजकल हम लोग पीस की बात करते हैं, अभी त्रिपाठी सर का मैं लेक्चर सुन रहा था, जो हम पीस की बात करते हैं उसमें पीस कहाँ से आती है? पीस हमारे दिल में होती है। हम अपने आप को अगर सही रखेंगे, अपने आसपास के एनवायरमेंट को सही रखेंगे, अपने घर को सही रखेंगे, तभी हम समाज में पीस ला सकते हैं। हमें जरा जरा सी बातों को बहुत ही सोच समझ के कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए सोशल मीडिया पे। हम एकदम से भावुक होके कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर देना चाहिए। हम सोशल मीडिया का दौर है, आप जो भी बात बोलें, कोई मैसेज अगर आपको लग रहा है आपने
आप इग्नोर कर देते हैं, उसमें तो आप लोग ध्यान नहीं देते, बट अगर कोई भड़काऊ मैसेज अगर आपके ग्रुप में आ जाता है आप फौरन मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऐसे मैसेज से बचना चाहिए। और जो बच्चे किसी ग्रुप के एडमिन है उनको ध्यान रखना चाहिए, वो कोई भी ऐसे मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करें जिससे हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में कोई भी गलत मैसेज जाए और हमारे समाज की पीस खत्म हो जाए। आपको अगर एनएसएस के बारे में जानना है, जब हमारी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो अब हम एनएसएस को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और एनएसएस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आपको एनएसएस के बारे में कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। अगर आप 120 घंटे एनएसएस में देंगे तो आपको दो साल का 240 घंटे अगर आप पूरे कंप्लीट कर लेते हैं एनएसएस में तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो एनएसएस जामिया और मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है, जिसका वेटेज आपकी जॉब में मिलता है। अगर दो स्पेशल कैंप और एक नेशनल लेवल का कैंप कर लेते हैं तो आपको आपकी परसेंटेज में दो आपके एडमिशन में परसेंटेज एनएसएस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे बेनिफिट करते हैं। इसके बारे में अगर और कुछ आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। सर अभी आपने एक आरडी कैंप के बारे में बताया था, तो सर क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल है या सिर्फ ऑफलाइन ही कर सकते हैं? आरडी कैंप जो होता है या प्री आरडी कैंप होता है ये सब ऑफलाइन होता है, क्योंकि राजपथ पे आप लोग ऑनलाइन नहीं चल सकते, राजपथ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग हम आपको फिजिकल मोड में देंगे, तो इसलिए ये सब फिजिकल मोड में बैठे हुए हैं और इन सबकी ट्रेनिंग चल रही है और ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो योगा डे होना है 13 तारीख का इवेंट होना है, और ये वो बच्चे हैं जो जिनके लिए यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ये उस बच्चे ये मीटिंग चल रही है हमारी एनएसएस ऑफिस में, ये कुछ ग्लिम्स हैं आप लोग देख रहे होंगे, रैली अवेयरनेस, ये वो सारी चीजें जिसपे हम लोगों ने काम करते हैं, ब्लड डोनेशन, विजिलेंस अवेयरनेस, नशे के ऊपर, ये सारी वो चीजें हैं जो आप एनएसएस ऑफिस आप लोग जी। कोई और क्वेरी आपको आपको ये ऑनलाइन फॉर्म आपको मैं आरिफ भाई को सेंड कर दूंगा, रूही मैम के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये आपका एजुकेशन फैकल्टी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोगों ने मुझे ऐड नहीं कर रखा है, तो आप मुझे ऐड करके उसमें मुझे एडमिन बना दीजिए, मैं उस ग्रुप में अपना लिंक शेयर कर देंगे, हम लोग अपनी सॉफ्ट कॉपी एनएसएस का आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो फिर आपको हार्ड फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके थैंक यू सर। और कोई क्वेरी आप लोगों की? सर एक क्वेश्चन था सर, इफ्तिखार अहमद किस चीज के लिए? इसमें एनएसएस में एडमिशन लेने के लिए, एनएसएस का वॉलंटियर वही रह सकता है पहले जिसने 3 साल एनएसएस किया हो। अगर आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में जामिया एनएसएस ज्वाइन किया है और उसके बाद आप हमसे एनएसएस से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर अब हमारे यहाँ पे ओपन यूनिट होता है जिसमें आप हमारे एज ए वॉलंटियर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ओपन यूनिट के मेंबर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये शिवा बैठी हुई है, ये ओपन यूनिट के मेम्बर है, ये साकिब है, ये ओपन यूनिट के मेम्बर है जिन्होंने जामिया से पास जो अभी हमारे साथ बैठी हुई मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही है। बेक टाइम में दो जगह लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैंने अवेयरनेस फिजिकल बोर्ड में भी किया है और ऑनलाइन भी किया है, एक साथ दो काम हुए हैं आपके, जैसे आपको एग्जाम फिजिकल मोड में भी देना है और ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम देना है। या प्लीज और कोई क्वेरी आपकी? सर इससे रिलेटेड कोई ऑफिस है एनएसएस के वॉलंटियर करने के लिए? एनएसएस के ऑफिस में ही मैं बोल रहा हूँ, एनएसएस का ऑफिस है जामिया मेन कैंपस गेट नंबर 7 से जब आप एंटर करेंगे तो राइट साइड पे किसी भी गार्ड से पूछ लेना एनएसएस में जाना है,
और एनएसएस जो है हमारा प्रेमचंद आर्काइव्स के बराबर में किसी भी गार्ड से मालूम करेंगे आपको एनएसएस के ऑफिस के बारे में पता चल जाएगा। एनएसएस में हायरार्की होती है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से हैं। मैं आपको मेरा नंबर्स आपको जामिया की किसी भी बच्चे से मिल जाएगा, रूही मैम आपको दे देंगे, और कोई क्वेरी आप लोगों की। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आपने हमें एनएसएस की सरगर्मियों की अहम मालूमात फराहम की, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और ये आरिफ सर एक रिक्वेस्ट है, ये डेली टू डेली इनकी अटेंडेंस लेते रहना, क्योंकि सिर्फ 55 बच्चों ने एनएसएस ज्वाइन कर रखा है कैंप, और सर्टिफिकेट काफी बच्चों के बनेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड हम भी रख रहे हैं। तो प्लीज क्या नाम है हफ्सा, आपकी जिम्मेदारी है, आप डेली की अटेंडेंस क्लिक करके आप हमें मेरे नंबर ये तो कंपल्सरी है ना, अटेंडेंस तो हमारे सबकी लगनी है, जरूरी है वो। यस अफ़ज़ा आगे बढ़ो। इस यादगार अवसर पर वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मैं तबस्सुम नकी मैम सीसीए कोऑर्डिनेटर को बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने वर्कशॉप की सफलता के लिए कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करी। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी। संभाले मैम, आपका माइक ऑफ है आई थिंक। तबस्सुम मैम अब मेरी आवाज आ रही है? जी मैम अब आ रही है। थैंक यू शीना फॉर योर जेनरस इंट्रोडक्शन। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन एब्सेंशिया, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड डियर honor to propose this vote of thanks on the behalf of the Department of Teachers Training and Non-Formal Education and my own behalf. What an outstanding event of the day it was. I would like to thank our chief guest, our beloved Professor V.K. Tripathi sir, an eminent scholar and a wonderful human being, for spirit and have motivated all of us. We are all thankful for your blessing and a very hearty vote of thanks to the guest of honor, Professor Vikar Hussain Siddiqui, who spared time for his busy schedule and grace the occasion. I am very thankful to Dr. Abid Hussain Zaidi, our esteemed guest, for sharing his views in a very pleasant, in his own style. My sincere gratitude to our beloved head of event could not possible. Thanks to Professor Farah Farooqi ma'am and Professor Mehnaz Ansari ma'am for their very staff. My deepest thanks to all house advisors for
great efforts to prepare and organize this 7-day camp. Next, I would like to thank our technical support team, our dear Dr. Mamoor Ali sir, Dr. Arif Mohammed sir, Dr. Mohammed Tanveer sir, my heartiest greetings to NSS officers, my dear Dr. Ruhi Fatima ma'am and Dr. Arif Mohammed sir, my co-coordinator dear Dr. Raisa Khan for their tremendous efforts to organize this camp so effectively. We are highly grateful to our students for support, for supporting us and taking part in this event with great enthusiasm. Our students have given incredible performance and they are worthy to appreciation from our side. I mention my deepest sense of appreciation and would place on record my hearty thanks to all the volunteers and I would like to take your leave with a feeling of happiness and gratitude. Thank you. थैंक यू मैम. तो इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म होता है और जैसे उन्होंने आबिद सर ने भी कहा है सारे एच आर के उस पर भी हमने डाल दिया है एक नोटिस भी. अटेंडेंस ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहेंगे मुझे भेजते रहेंगे. ठीक है, सारे एच आर से रिक्वेस्ट है कि वो रोज की अटेंडेंस अपनी आबिद सर को भेजते रहें. और मैम इनसे ये कहिए कि रोज ये कोई वीडियो बनाए योगा के ऊपर और वो भी मुझे सेंड कर दे रहे हैं क्योंकि हमें वो पोर्टल पर अपलोड करनी है मिनिस्ट्री के. जी वो अपने घर योगा कर रहे हैं सर, वो आरिफ सर करा रहे हैं, वो करवा रहे हैं आरिफ सर. ठीक है मैम. ठीक मैम, ठीक, पहले भी कहा था आरिफ सर करवा रहे हैं, वो हो जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू बाजी, बहुत शुक्रिया सर. हाफिज, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. थैंक यू. Thank you, Mamoor Saab, Arif Saab, Raisa Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you. Very much, Ma'am. Thank you, Hafsa, Afreen, and Sheena, and Sumaya. Thank you, Ma'am. Very, very excellent anchoring. Excellent and excellent anchoring in all the languages, in the English. Yes. Yes. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. You know. बहुत अच्छा.